कितने सीरियस हो गए लाइफ में। नहीं हाँ जी, सो बहुत सारे दोस्त आज बीकॉम के लिए गए हुए और आप में से बहुत सारे कल जाएंगे, और जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है उनके कितने के बीकॉम एग्जाम है। ये शायद 5-6 को होने वाला था बीकॉम एग्जाम, राइट? तो ये क्यों पोस्टपोन्ड हुआ? स्ट्राइक थी। ओहो, क्या बात है, सही। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो बहुत 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 ज्यादा वेलकम इस जगह पे बैठने के लिए। शायद आपने साल भर से वेट किया है, कुछ लोगों ने कहा उससे भी ज्यादा, बराबर है। बट सबसे अच्छी बात यह है, इस पारंपरिक वीक के अंदर में, ये जो वीक चालू है, इस बीच में आपका धैर्य मानना मतलब काबिले तारीफ है। ताली बजनी चाहिए खुद के लिए कि इतने पारंपरिक वीक के अंदर में भी आप अपनी छोड़ करके आए हैं। सो सबसे पहले वी वेलकम यू ऑल, वी एट एकत्वम अकादमी वेलकम यू ऑल टू योर इंटर टैक्सेस एंड ऑल ग्रुप वन क्लासेस विथ मी अभिषेक जावरे सर, यू ऑल नो हिम, यस। देन ऋषभ जैन सर एंड दर्शन खरे सर। सो स्टार्ट करते हैं पहले कुछ अच्छे पॉजिटिव नोट्स के साथ। सर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई रिकलेक्ट अ डे अबाउट 21 ईयर्स अगो एंड आई वॉज अ स्मॉल किड, नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू पीपल आर एट दैट टाइम, सो डोंट मिस्टेक इट। कमिंग फ्रॉम अ विलेज आउट हियर इन द सिटी, इनिशियली कंफ्यूज एज आई कैन सी सम फेसेस लुकिंग कंफ्यूज। बच्चों 17-18 साल के बच्चों के तुम माइनर्स विल बी देयर, राइट? ये दाढ़ी है तो मतलब क्या हो गया, 18 साल का बच्चा है वो, ऐसे फैशन के लिए बड़ा है तुम्हारे जैसे, तुमको फॉलो कर रहा है वो। सो 17-18 साल के बच्चों, 19 साल जो भी है, यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ यू विथ यू। फाउंडेशन आपको एक अटेम्प्ट लगा होगा, दो लगा होगा, दैट इज अ हिस्ट्री। सीए कोर्स में वो अटेम्प्ट्स वगैरह वो जो है ना, सब कुछ भूल जाने का, आगे देखना है। इट्स अ फ्रेश कोर्स दैट यू आर स्टार्टिंग, 6 months दैट यू हैव इन द ओल्ड कोर्स फ्रॉम हियर ऑन टिल लेट्स अराउंड इंडिपेंडेंस डे 13th-15th of August 2023। इट्स अ बेस्ट टाइम, प्लीज फॉर्म अ गुड नेटवर्क, गुड फ्रेंड्स, एंड यू विल चेरिश ऑल दीज मेमोरीज इवन 20 years डाउन द लाइन। होपफुली आप भी यहां पर आके 20 साल के बाद बात कर सकते, right? So wish you all the best, see you in the lectures. Darshan sir, okay, so good morning everyone. Good morning, sir. पहली बात तो 13 फरवरी को बैच शुरू करने के पीछे का मकसद था, क्योंकि कल 14 फरवरी है और तुम कल कृपया मत बोलना कि एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? तो जिनकी बीकॉम के एग्जाम है तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जोक्स अपार्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वेलकम टू एकत्वम एकेडमी। एंड दूसरी बात,
दो प्रिंसिपल्स याद रखना, अगर आपको बहुत अच्छे से सीए इंटर में पास होना है, डजंट मैटर इसके पहले तुमको फाउंडेशन में कितनी वारियां लगी है पंडरी की, ठीक है, कितने बार जाके आए हो, ठीक है, बट सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको मेंशन करूं तो दो रूल्स याद रखना, कंसिस्टेंटली बैच करना एंड विथ होमवर्क बैच करना, ठीक है, कंसिस्टेंटली बैच करना और विथ होमवर्क बैच करना, क्योंकि 11 घंटे की नियरली तुम्हारी क्लास है और नियरली 2 घंटे का होमवर्क देंगे इनके जैसे टीचर, ठीक है, तो so, 2-3 घंटे का होमवर्क देंगे, तो ऐसे केस में अगर तुम्हारा एक दिन का भी बैकलॉग रहा तो तुम्हारा 11 घंटे का बैकलॉग है, उसको निकालते निकालते तुमको 5-7 दिन लग जाएंगे, ऊपर से इनके जैसे टीचर एक्स्ट्रा लेक्चर भी लेते हैं इनके जैसे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप शेड्यूल्ड में रहे, ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल में रहे, और कभी भी अगर आपको थ्रू आउट द जर्नी 3-4 महीने के डिस्टेंस में, ठीक है, वी आर होपिंग सो 15 मई तक हम ग्रुप 1 फिनिश करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने टाइम पे पूरे क्लासेस कंप्लीट किए थे, डजंट मैटर आपने बाहर क्या सुना है, बट एग्जैक्टली हमने लास्ट टाइम ग्रुप 2 शुरू होने के पहले 2 दिन पहले ग्रुप 1 के क्लासेस थ्रू आउट विद टेस्ट सीरीज खत्म कर दिए थे, ऑल द सब्जेक्ट्स वेरी प्रॉपरली, ठीक है, सो ये चीज को आपने याद रखना, तो आपकी छुट्टियां भी आपने बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करनी है, आपके क्लास टाइमिंग्स और आपका होमवर्क भी बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, आप सिर्फ 2 चीजों का अगर ध्यान रखो, ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंसी इन द क्लास एंड सेकंड इज होमवर्क, वी अश्योर यू कि आपसे मिनिमम 3-4 सब्जेक्ट ये रहेंगे जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब आपका ग्रुप 1 पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप ग्रुप 2 के ऊपर बहुत धैर्य के साथ जा पाओगे, ठीक है, और अभी से कोई थॉट नहीं देना है कि मैं एक ही करूंगा 2 ही करूंगा, जो भी करेंगे वो अपन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को सोचेंगे लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि 15 अगस्त को भी अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे एक ही ग्रुप देना है तो भी 75 डेज बाकी रहते हैं, 75 डेज मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हो नियरली ग्रुप 2 की क्लासेस के बाद, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास 750 आवर्स है, सो इट्स टू अर्ली टू जज योरसेल्फ, और एक सिंपल सवाल है, अगर आप इंटर में ही एक ग्रुप दोगे तो तुम फाइनल पे क्या करोगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो, सो ये चीज को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना, कंसिस्टेंसी होमवर्क, ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप सीनियर से रिव्यूज पूछ सकते हो, लास्ट बैच से रिव्यूज पूछ सकते हो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाकी 11:15 मैं परेशान करने के लिए आने ही वाला हूं, ठीक है, उसके बाद में खाने का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर अभिषेक सर इज देयर, ठीक है, सो प्लीज बी देयर, ठीक है, बराबर, और जो बहुत सारे लोग वो उस आदमी को देख रहे हैं आ रहे हैं उस पर हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एटलीस्ट फर्स्ट तो अच्छा ही लग रहा है, अभिषेक सर ने बोला 21 इयर्स के बाद अच्छा लगेगा, मैं बोलता हूं इवन 10 साल के बाद भी अच्छा लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मतलब दिस इज अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, यू विल फाइंड योर फ्यूचर ऑफिस पार्टनर्स, यू विल फाइंड योर जूनियर्स, मे बी सीनियर्स इन द सेम क्लासरूम, आइटम आइटम पे नहीं जा रहा मैं, पार्टनर जूनियर है, नहीं शादी वादी नहीं नहीं, पार्टनर्स वो भी ऑफिस वाला, समझ रहे हो मेरा बात, जूनियर्स एंड सीनियर्स सब आपको यही मिलेंगे ऐसा मान के चलिए, दिस इज अ वेरी गुड फेज ऑफ लाइफ, एंजॉय दिस, देर आर गोइंग टू बी डेज जहां पे ऐसा लगेगा नहीं मेरे को सुबह उठ के नहीं आने का है, नॉट बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बट बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम हियर, कि मेरे को बहुत दिन हो गया है, समझ रहे हो क्या मेरा बात, इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, यू गाइस आर 18-19, रिमेंबर 2-3 थिंग्स, कि अल्टीमेटली घर पे अकेले बैठ के सैड होने के बजाय यहां पे सबके साथ में आकर के अगर साथ में परेशान हुए तो ज्यादा बेटर रहेगा, सी इट्स अ जर्नी वेयर, सी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैराथन रन करते हो या कोई ट्रैक करने के लिए जाते हो, यू डू नॉट स्टार्ट रनिंग डे 1, डू यू गेट माई पॉइंट, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके लिए वही एक लंबा 8-9 मंथ्स का जर्नी रहने वाला है, आपको अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन करना है, अगर आप हंसते हंसते खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, दैट्स व्हाट द मेन एक्सपेक्टेशन इन दिस एंटायर कोर्स इज, रिमेंबर योर हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, देयर इज नथिंग एल्स, आई एम श्योर यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस, हाँ चलो जी,
यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरा नाम है विजय सारडा, मैंने सीए किया है, मैंने सीएस किया है, मैंने बीकॉम किया है, ट्वेल्थ किया है, नहीं मतलब अचीवमेंट्स में है ना मेरे, सो ये है। मैं आज आपसे बस एक वादा करता हूं कि ये आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर रहेगा, ये मेरी तरफ से वादा है। इस वादे के पूरा 100% आपको बाकी की चीजें पता चल जाएगी। सिंस वी ऑल नो दैट बीकॉम एग्जाम्स आर गोइंग, देर आर मेनी फ्रेंड्स विल ज्वाइन टुमारो, शायद वो ऑनलाइन भी देख रहे होंगे। जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम आप सभी का, एंड वेलकम टू योर फेवरेट सब्जेक्ट टैक्सेस। सर क्या सोच करके आयो पहले दिन? सर हम अच्छा सुनो, बैच चालू करने से वाले आप में से कुछ लोगों ने मेरे को पहले देखा है तो वो जानते हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं जो नहीं जानते, जो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं अपने आप से ही बात करता हूं, ठीक है। तो यहां कुछ भी हो सकता है, ऐसे डरना मत, मास्टर में आत्मा आई क्या, ठीक है। मेरे को बहुत अजीब लगता है। और क्या है, अगर आप देखेंगे आपके दिन का सबसे बड़ा लेक्चर ही मेरा है, राइट। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एट द सेम टाइम कॉन्टेंट भी दू और ह्यूमर भी, यस। तो ये बात पक्की है, तो यहां पर ऐसा डरना मत, क्या हो गया सर को, ये सब नॉर्मल है। सो बच्चा सुबह उठ करके आज तो भाई होता है ना, सुबह सुबह एकदम ऐसा, भाई आज तेरा आग लगा देगा, ठीक है। वो वादा करता है आज अपने आप से, पहले दिन जो बच्चा होता है ना इंटर का, वो आज अपने आप से वादा करता है। वादा क्या करता है, भाई आज से पहले दिन से पढ़ेंगे, मां कसम पहले दिन से पढ़ेंगे। ये किया है ना तुमने भी, फाउंडेशन में जो हो गया अपन इंटर पहले दिन से, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसे देखेंगे सामने और वही नाला है कि हाँ के अच्छी कौन। ठीक है, तो ये सारे नशे अपन सबने किए हैं। अपन है एवरेज बच्चे, अपन कौन है, एवरेज बच्चे। तो मेरी कुछ बातें बहुत अच्छे सुनिएगा मालिक। पॉइंट नंबर वन के पहले दिन से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, राइट। दूसरा, ये बात तो पक्की है कि आप सब सीनियर ने आपको एक बात तो बहुत कंफर्म बोल करके भेजा है कि जो जिधर लगाना है उधर लगाने का, इधर को इधर लगाने का, तो उसने कुछ सोचा है, उसने कुछ देखा है, बराबर है। आप सभी बच्चों की तरफ हम पर्सनली अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हर बच्चे के साथ हम पर्सनली अटेंटिव रहे हैं। बैच कैसे होगा, क्या होगा, फटाफट मैं आपको पूरी डिटेल्स दे देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। रजिस्टर वगैरह लाओ मालिक, यस प्लीज निकाल लो। डीटी के लिए करीब करीब 400 पेज का रजिस्टर लगेगा, मिनिमम एक। तो डीटी के लिए मालिक 400 पेज का रजिस्टर लगेगा, मिनिमम में एक रजिस्टर लाओ, फटाफट निकाल लो। मैं आपको आज कुछ अच्छी ताजी बढ़िया चीजें बता देता हूं। धन्य मालिक, चलो लेट अस अंडरस्टैंड कि डीटी का पेपर किस तरीके से आता है। डीटी या ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये किस तरीके से डिवाइडेड है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो पेपर है ब्रो, भाई साहब, ये जो पेपर है आपका, ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, ये कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है मालिक डीटी और दूसरा होता है मालिक जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, बराबर है। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स जो आते हैं ये एमसीक्यू आता है। क्या आता है बेटा, एमसीक्यू। तो पहले सब्जेक्ट को जान लेते हैं, ठीक है, मेरे बारे में तो आप जान ही लेंगे, पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं। कितने मार्क का पेपर है मालिक, 100। द टैक्सेशन इज पेपर 4, पेपर 4। तो टैक्सेशन का पेपर जो होता है ये पेपर 4 होता है। 100 मार्क का टॉपिक है मालिक, 60 मार्क जिसमें से डीटी आते हैं और 40 मार्क क्या आते हैं, आईडीटी। आप सभी को पता है नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल है, सो डीटी विल बी 60 एंड आईडीटी विल बी 40। यही अगर हम सीएमए न्यू कोर्स के अंदर में देखें तो ये 50-50 का शफल होता है, बाकी नंबर ऑफ टॉपिक्स रिमेन सेम, क्लियर है। अच्छा जी, सो आपको जो पेपर आएगा ये भी आपको दो आंसर शीट में डिवाइड होगा। कमऑन, क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन सॉल्व दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, दैट इज डीटी को अलग सॉल्व करना पड़ता है और जीएसटी को अलग सॉल्व करना पड़ता है। कुछ बच्चे बेहद बेसिक सा मिस्टेक कर देते हैं, कई बार लिखते वक्त डीटी में जीएसटी लिख देते, जीएसटी में डीटी लिख देते, दोनों अलग अलग है, कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है,
बराबर है। तो ये चार्ट बना के रखना, सबसे पहली चीज बुक खोलते ही आपको दिखनी चाहिए, 100 मार्क का पेपर है भैया, जिसमें से 30 मार्क के एमसीक्यू रहते हैं। इस 30 मार्क के एमसीक्यू में भी डिविजन है, 18 मार्क डीटी को जाता है और 12 मार्क आईडीटी को जाता है। समझ में आ रही बात? सर सर ये वो एमसीक्यू ऐसे ही होगा ना जैसे फाउंडेशन में था? नहीं, एक क्वेश्चन चार बिंदी वाला गेम नहीं है। ये जो एमसीक्यू है ये केस्ड बेस्ड एमसीक्यू है। ये कैसे एमसीक्यू है मेरे दोस्त? केस्ड बेस्ड एमसीक्यू। डीटी पार्ट ए, जीएसटी पार्ट बी। अब इसको सॉल्विंग कैसे करना है? डीटी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी। फिर आपको 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें से एनी 2 सॉल्व करना है। इसमें से क्या सॉल्व करना है? एनी 2। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये भी अगेन 14 मार्क्स का ही होगा और ये डिवाइड होता है या तो 6, 6, 4, इन शॉर्ट 14 का पैटर्न बनेगा ये, चाहे वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, बराबर है। या ना दिस क्वेश्चन नंबर 2 विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी। तो चलो वापस एक बार, कितने मार्क का टॉपिक है जल्दी से बताओ? 100। उसमें से डीटी जो अपन पढ़ने वाले हो कितने का है? 60। पार्ट कौन सा है? ए। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 विल बी ऑप्शनल। क्लियर है मालिक? और आवाज निकालते रहना, क्या है मैं थोड़ा सा ऐसा आदमी हूं, मेरे को आवाज नहीं आई तो मैं किसी भी चीज से बात कर सकता हूं यहां पे, ठीक है? अच्छा सर, सर मुझे क्वेश्चन पेपर ही देखने मिल जाए तो? सर आप पहले दिन क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हो? लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर। शायद ये पहला क्लास होगा जिसमें पहले दिन कंटेंट से पहले पेपर दिखाया जाता है। सर क्या आप हमें डरा रहे हो? हाँ मैं डरा ही रहा हूं, डरा इसलिए रहा हूं कि पहले ये देख लो पहुंचना कहां है। क्या है, मेरे डैड बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भैया रास्ते से पहले मंजिल का पता होना जरूरी है। रास्ते से पहले मंजिल का पता होना चाहिए, किसी को प्यार करते हो तो जताना जरूरी है। आओ इधर। सो देख मेरे भाई, ये पेपर है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बैच तुम ये सॉल्व करोगे। सुनना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सबसे पहले आता है पार्ट ए, जो मैं आपसे कह रहा था। पहले क्या आता है बेटा? पार्ट ए। ये लेटेस्ट पेपर है नवंबर 22 का, ठीक है? पार्ट ए, पार्ट ए के अंदर में पहला क्वेश्चन सीधा कितने मार्क से चालू हो रहा है? 14। ये मैंडेटरी ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन के अंदर में आपको पूरा इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन बना के देते हैं, जिसको हम टोटल इनकम क्वेश्चन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं मालिक? टोटल इनकम क्वेश्चन। फिर ये आता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। कितने मार्क्स के होंगे जल्दी से बताओ? 14। इसमें से कौन सा सॉल्व करना है? एनी 2। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखोगे तो ये देखो 6 मार्क्स 8 मार्क्स, दोनों मिलाकर के कितने बन गए? 14। या तो 6 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे तो 6 4 4। समझ में आया? यानी एनी क्वेश्चन विल बी ऑफ 14 मार्क्स, बराबर है। तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी 14, दूसरे दो क्वेश्चन कंपल्सरी 14। 14 into 3, 42 प्लस 18 मार्क्स का ऊपर एमसीक्यू, दैट्स हाउ योर 60 कम इनटू पिक्चर। समझ में आई बात? दैट्स हाउ योर पिक्चर इज। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, बराबर है। सर सर मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। मैंने कहा बोलो बहन। सर आई मीन कितने टॉपिक पढ़ना होगा? लाइक 16 नए मिला करके 17। 17 टॉपिक्स? हाँ, ये मुझे ही पढ़ना है? आपको ही पढ़ना है। तो 17 टॉपिक है, 17 टॉपिक आपको पढ़ना है, 17 टॉपिक सिर्फ 60 मार्क्स के लिए। वापस 17 टॉपिक कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स। जीएसटी अलग, इतने में तो सर हमारा इकोनॉमिक्स और बीसी के हुआ करता था। वो हुआ करता था, अब वो है हिस्ट्री। आइए, पेपर समझ में आया मालिक सभी को? यस। अब मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपको सर कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी? सर आपको कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी सभी को बता दूं। सबसे पहला जो आपको मिलेगा ना मालिक, वो होगा आपका रेगुलर बुक। क्या होगा मालिक? रेगुलर बुक। ये है आपका रेगुलर बुक, जरा ध्यान से देखिए। मल्टी कलर, फुल डिटेल्ड एंड वेरी
कंप्राइज्ड फॉर्म के अंदर में आपको सब कुछ बना करके दिया है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन डाले गए हैं एटसेट्रा, सारी चीजें इसके अंदर में करी गई है। रेगुलर बुक के अंदर में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आपके आईसीएआई के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सबका कवरेज दिया गया है। मोर देन 400 प्रॉब्लम हम क्लास में सॉल्व करेंगे, कितने 400। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको लगता है नहीं सर और करना है, और करना है, करो क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा मैं आपको दूसरा बुक दूंगा, दैट इज क्वेश्चन बैंक, जिसको हम क्वेश्चन एयर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा क्वेश्चन एयर। अगर आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन एयर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी और कुछ बेस्ट बुक्स के क्वेश्चन डाल करके रखे, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले एक चीज दी है, जो भी टॉपिक है इस टॉपिक का क्विक रिविजन यहां पर हमने डाल के रखा है। ये देखिए आपका बुक है, एक क्विक रिविजन, जैसे चैप्टर नंबर वन, तो चैप्टर नंबर वन आपका 3 पेज के अंदर में खत्म कर दिया यहां पे। मतलब जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहोगे एग्जाम के एक दिन पहले, आपको इसी बुक से सेल्फ रीड भी कर लेना है, तुरंत क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। और इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों दिए, क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर। तो क्लास में जो 400 सॉल्व करेंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा दिल मांगे मोर 300 और क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, बेस्ट क्वेश्चंस। सर इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको मिलेगी, वो होगा डीटी के चार्ट्स, ये डीटी के चार्ट्स लास्ट डे रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है। अपने वॉल पे लगाओ, वॉल को सजाओ और इसको निहारते रहो बहुत गजब तरीके से। 4 पेज के अंदर में पूरे 17 टॉपिक बना के रखे हैं, कितने 4 पेज पूरे 17 टॉपिक बना के रखे हैं। एग्जाम में ओनली दैट मच काम खत्म। और इसके अलावा आपको जो एमसीक्यू आ रहा है ना, ये एमसीक्यू का आपको क्या मिलेगा बेटा पीडीएफ, आपको एक पीडीएफ कॉपी दिया है। 1000 केस बेस्ड एमसीक्यू डाले हैं, कितने 1000 केस बेस्ड एमसीक्यू डाले, जो एमसीक्यू आप देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं सारी चीजें। समझ में आई बात? सो एवरीबॉडी जल्दी से, कितने बुक फिजिकल फॉर्म में मिलने वाली है, 3, पहला रेगुलर, दूसरा क्वेश्चन बैंक, तीसरा चार्ट्स, जो आपको अभी मिल जाएगा एडमिशन होते ही आज या कल। मैं आप सभी को बता दूं, जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है या आप सभी राइट, आज के लेक्चर के नीचे यूट्यूब पे टेलीग्राम का एक लिंक है जिसमें चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ दिया हुआ है, बराबर है, ये पीडीएफ आप रख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले 4 दिन आपको किसी नोट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 दिन आपको पहले सिर्फ बेसिक से उठाना पड़ेगा मेरे को, और 4 दिन बाद मालिक आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 4 दिन तक के आपके पास नोट्स नहीं रहे, पीडीएफ भी रहे तो काम हो जाएगा। हमारा पैटर्न जो है ना मालिक, ये लिखने का है, क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज्यादा है, प्रोविजन वाला पार्ट ज्यादा है। तो 400 पेज का आपको मिनिमम रजिस्टर लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा, ये याद रखना। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जो डाउट्स आते हैं उसका क्या करें, मालिक आपको अगर डाउट्स आ रहा है तो क्या करें, देखिए सबसे पहली बात, लेक्चर के बीच में हर एक ने पूछने का, यहां पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं बिंदास, लेक्चर के बीच में कोई डाउट आ रहा है हाथ खड़े करो, मैं तुरंत आपको खुद ही बता दूंगा ये हो रहा है। इसके अलावा जो कोई और डाउट है लेक्चर के बाद, मैं खुद आपको बुलाता हूं, बिंदास आओ यहां पे आकर करो। देख मेरे भाई, अपन है एवरेज बच्चे, एक बात समझ के चल, डाउट है बिंदास आने का, हम लोग कोई भूत नहीं है, बराबर है। और तीसरा, इसके अलावा भी रात में 1 बजे सपोज पढ़ाई कर रहे हो, ये नंबर है सर, टेंशन नहीं, आज नहीं भी लिखोगे तो हर बुक के नीचे ये नंबर दिया है, हर पेज पे ये नंबर दिया हुआ है, बराबर है। इसके ऊपर मस्त व्हाट्सएप कर देने का डाउट, राइट। आपको मिनिमम 28 टू 48 आवर्स के अंदर में इसका रिप्लाई आ जाएगा। अगर एग्जाम का टाइम है तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, पर जवाब जरूर आएगा, मैं पर्सनली दूंगा। तो तीनों तरीके इसमें जो तरीका सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर देना, ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ही रखा गया है, ठीक है मालिक। अच्छा जी, इसके अलावा सर टेस्ट पेपर्स होंगे क्या? आंसर इज यस, टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। टेस्ट कैसे होंगे ये आपके लिए आज ही समझना बहुत जरूरी है। पहला, जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक खत्म होते ही आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, बराबर है। जितने बच्चे फेस टू फेस में बैठे हैं इनका फेस टू फेस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, राइट। वी आर वर्किंग ऑन द मैकेनिज्म की आपको चेक करके भी मिल जाए, बराबर है। जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है मालिक, आपको टेस्ट मिलेगा, इस टेस्ट का पीडीएफ वही जो टेलीग्राम ग्रुप अपन बना रहे हैं इसके ऊपर कंडक्ट किया जाएगा, प्लस जिस दिन टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट डे इसका आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया कि टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। 17 के 17 टॉपिक का 17 टेस्ट होने वाला है, प्लस 100 मार्क्स का एक टेस्ट होने वाला है, प्लस 50 मार्क्स का एक और टेस्ट होने वाला है, तो इन टोटल 19 टेस्ट होने वाले हैं। सर इतने टेस्ट का करोगे क्या? मैं तो देने नहीं वाला,
क्यों नहीं दोगे भाई तुम? अगली बार तुमको यहां आना है ना। मुझे बहुत प्राउड होता है कि जो रीसेंट एग्जामिनेशन थे इनके अंडर के ये AIR अपने यहां से आए हुए हैं। इसके पहले के अटेम्प्ट में AIR 2 भी अपने इसमें थे। मैं ये सिर्फ आपको इंटर लेवल पे बता रहा हूं, फाइनल लेवल के अलग है, फाइनल लेवल के अलग है। सो आप मेरे साथ क्या पढ़ेंगे सर? इंटर के अंदर में DT पढ़ेंगे, राइट, प्लस यू नो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लेता हूं। इसके अलावा आप फाइनल में डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स अपने से करेंगे। तो ये दो टॉपिक है सर। तो इस तरीके से आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अच्छा जी, और कोई डाउट है जिसका जवाब मेरे को देना है? सर अगर मेरा कोई लेक्चर किसी दिन छूट गया तो 100% बैकअप है। तो ये लाइव स्ट्रीम में भी आप देख सकते हो, प्लस इसी का 100% बैकअप भी है। अराउंड 24 आवर्स लगेंगे इस बैकअप को अपलोड होने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपका मिस हुआ तो आज ही अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कंप्रेस होकर के अपलोड होता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर डन। समझ में आ रही है बात? ओके, सो वीडियो के नीचे आपको बाकी के नंबर मिल जाएंगे, ऑफिस के नंबर, सेल्स नंबर, लेक्चर नंबर, सब आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। अगर ये सब खत्म हो चुका हो तो अपन अपने कंटेंट पे आ जाए। किसी को कोई डाउट है मालिक और कुछ रहेगा तो प्लीज पूछ लेना, मैं इधर ही हूं। आते हैं सबसे पहले शुरुआत करने के लिए द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। रजिस्टर बस निकाल के रखना और बिल्कुल मजे लेते रहना अगले लेक्चर के। लेक्चर का एक सीक्वेंस बता दूं, हर रोज हम 2 घंटा लेंगे, करीब 8:45 to 9, डिपेंडिंग अपॉन अपना कंटेंट कहां खत्म हो रहा है, हम एक ब्रेक देंगे। ब्रेक करीब 10 मिनट का रहेगा, मैक्स 15 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। और उसके बाद आप वापस आएंगे, फिर 1 घंटा हम लोग और पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होगा 3.5 घंटा तुमको यहीं बैठा के रखा है, ठीक है? देयर विल बी अ ब्रेक इस लेक्चर के दौरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस, शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी लोग सरस्वती जी को एक बार मेरे साथ याद कर ले। बोलो सरस्वती माता की जय। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं तो बहुत बेसिक बच्चा हूं, मुझे पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहा हूं, आप ना मेरे को जीरो से पढ़ाओ। टेंशन मत ले बेटा, भाई तेरा इधर खड़ा है, सब पढ़ाएगा जीरो से। आखिर ये सब्जेक्ट आया कहां से, ये सब्जेक्ट लाया किसने? इनकम टैक्स एक्ट। बेटा इस लेक्चर के अंदर में मैं सिर्फ तेरे को टैक्स नहीं सिखाऊंगा, टैक्स के पहले इनकम वर्ड आता है, वो कैसे कमाते वो भी सिखाऊंगा। टैक्स से पहले वर्ड क्या आता है? इनकम। तो वो भी अपन सीखेंगे कि वो कमाते कैसे हैं। सर इनकम टैक्स एक्ट लाया कहां से? आप सभी लोग चाणक्य जी का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? मौर्य डायनेस्टी, यस और नो? मौर्य डायनेस्टी के अंदर में चाणक्य जी। तो एक बार यहां पे जरा थोड़ा सा एक्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। तो एक दिन चाणक्य जी, राजा जी दिख रहे हैं आपको? हाँ, बस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। सो राजा जी के पास गए, राजा जी को कहा, राजा जी आई थिंक वी शुड लेवी द टैक्स। राजा जी, वी विल कलेक्ट द टैक्स जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ, वी विल कलेक्ट द टैक्स एंड गिव इट बैक एज रेन। वो सब तो ठीक है, हिंदी में बोलो। जिस तरह, वापस से सुनिएगा साहब, जिस तरह सूर्य एब्सॉर्प्शन करता है पूरे प्रोसेस के बाद, वो पानी अपने पास रख देता है या रेनी सीजन बना के भेजता है? बोलो ना, आवाज नहीं आई? ठीक उसी तरीके से हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, टैक्सेस कलेक्ट करके वापस से लोगों को यही पैसा सर्विसेज के फॉर्म में वापस करेंगे। कैसे वापस करेंगे? सर्विसेज के फॉर्म में वापस करेंगे। उन्होंने बोला, नहीं पर कैसे? सर्विस मतलब क्या? अब देखिए, आप लोगों ने इतने साल से रोड यूज किए, किए या नहीं किए? यस, कभी ऐसा हुआ आपसे कोई आकर के कह रहा है, भाई और बहनों आज से रोड टैक्स देना होगा? कभी ऐसा किसी ने कहा आपसे? द मोस्ट हैंडसम बैचलर, वन डे आई वेक अप एट नाइट, ऐसी सड़क बनाता, यहां से सड़क डालो वहां से निकले, ऐसा कभी किसी ने कहा? आप देखिए, आप बचपन से क्या क्या यूज करते आए, आप रोड यूज करते आए। देखिए आपने क्या किया, बीइंग जस्ट यू Who is not earning? आपने क्या क्या किया मालिक आज तक के? आपने रोड यूज किया, ब्रिज, डैम, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट। आपकी सिक्योरिटी के लिए हमारे देश के जवान खड़े हैं। लेकिन इन सबके लिए पैसा आया कहां से? इन सबके लिए पैसा आया टैक्स पेयर्स मनी। कहां से आया?
टैक्स पेयर्स मनी. तो एक सिस्टम लगाया गया. देखिए सबसे पहले यह सिस्टम चाणक्य जी ने, हमें प्राउड होता है हम भारतीय हैं कि पीएच चाणक्य जी ने यह सिस्टम को लेके आया कि भैया हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे. इसे शुरुआत में कर कहा जाता था. क्या कहा जाता था? कर. क्या कहा जाता था? बोलो जल्दी से, कर. सो इसे कर कहा जाता था, महसूल बोलते थे इसे. कर के थे सर, क्या कर? नहीं नहीं, टैक्स को कर बोलते थे. सर टैक्स को कर कहा जाता था और कर वसूल किया जाता था. अच्छा जी सर. सो जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ एंड वी विल अगेन गिव इट बैक एज रेन्स. इसे अगेन वापस देने का प्रावधान है. तो आपके पास इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, राइट, सपोज कर लीजिए, बात उन दिनों की है जब ये लड़का, भाई तेरा नाम क्या है? कुणाल, राइट. सो कुणाल रात में अकेले जा रहा था, 13 फरवरी की वो रात थी, और वैसे अकेला तो होगा नहीं, 13 फरवरी की वो रात थी, अकेले जा रहा था. इतने में लाइट बंद हो गई. नहीं बात अच्छी है, लाइट बंद हो गई. अब कुणाल बोलेगा नहीं, क्या यार ये क्या चल रहा है? अंडरस्टैंड, ये लाइट के लिए भाई ने कभी पैसे दिए हैं? हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? भाई ने कभी टैक्सेस के फॉर्म में पैसे दिए? यस. इन्होंने दिए या नहीं दिए? पर इनके घर वालों ने जब भी इनके लिए कुछ खरीदा, जीएसटी के माध्यम से पैसा दिया है कि नहीं दिया है? तो जो आप सुख सुविधा ले रहे हैं बहुत सारे फैसिलिटीज की, आपके घर में रोज एक व्यक्ति कचरा उठाने के लिए आता है, सोच के देखिए, आपके घर में रोज पानी का फैसिलिटी आ रहा है, ये सारी चीजें टैक्सेस से चल रही है. किससे चल रही है मालिक? टैक्सेस से. यस yes? तो ये टैक्सेस ही है जिससे आपका सारा फैसिलिटी चल रहा है. अब ये जो टैक्सेस है इसका हिस्ट्री क्या है? सर मुझे एक बात बताइए, कब से लगना चालू हुआ? देखिए चाणक्य जी के तौर पे लग चुका था, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया. से यस यस. तो आइए उस ब्रिटिशर्स के काल से समझते हैं. हम चाणक्य जी का तो सिचुएशन समझ में आ गए, उसके बाद हम ब्रिटिश काल में समझते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ. सर सबसे पहले 1857 वाज द ईयर. कौन सा ईयर वापस से बोलो? 1857 वाज द ईयर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर पे था. अब इस वॉर के खर्चे को निकालने के लिए, पहली बार इन द ईयर 1860, सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया. सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है इन इंडिया. ये एक्चुअली गलत है. पूछो क्यों? ध्यान से पूछो ना, क्यों? वो इसलिए क्योंकि चाणक्य जी बहुत पहले ही कर ला चुके थे. यस और नो? बस ब्रिटिशर्स ने बुक बनाई, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया, तो उन्होंने अपना नाम डाल दिया. समझ में आ रही बात? पर हाँ, आज भी अगर आप गूगल या बाकी चीजें सर्च करेंगे, सर जेम्स विल्सन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, जिनने इसको लेकर के आया. तो 1860 में सबसे पहली बार क्या किया गया? इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया. ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश के लिए रेवेन्यू के तौर पे लेके आना. रेवेन्यू क्यों? क्योंकि जो वॉर में लग रहे एक्सपेंसेस है उसकी रिकवरी के लिए, एक्सपेंसेस की रिकवरी के लिए. तो सबसे पहले रजिस्टर में जाइए, लिखिए हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स. पेपर लिख दिया आपने, पेपर के बाद हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स. देन सबसे पहले लिखिए इन द ईयर 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एट वॉर. इन द ईयर 1860 सर जेम्स विल्सन brought income tax in India. ये बड़ा होके MCQ बनेगा. ये बड़ा होके क्या बनेगा? MCQ. इन्हें father of income tax act भी बोला जाता है. इन्हें father of income tax act भी बोला जाता है. Yes. Then, अच्छा जी सर. सर फिर क्या हुआ? शुरुआती तौर पे इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ 5 साल के लिए लागू किया गया था. कितने साल के लिए? 5 years, जस्ट फॉर 5 years, कि एक बार रिकवरी कर लेंगे काम खत्म. लेकिन फिर से 1886
लॉर्ड डफलिन, लॉर्ड डफलिन अगेन इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स एक्ट. लॉर्ड डफलिन अगेन इंट्रोड्यूस्ड द इनकम टैक्स एक्ट. सो 1857 के अंदर में ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर पे था. इसके खर्चे निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सर जेम्स विल्सन 1860 के अंदर में क्या लेके आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट लेके आते हैं. 1886 में लॉर्ड डफलिन फिर से एक बार इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस बार सर्टन परमानेंसी के साथ. थॉट यह था कि नहीं, और सालों के लिए इसे चलाया जाएगा, कई और सालों के लिए इसे इंट्रोड्यूस करेंगे. फिर बारी आती है 1919 की, जब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या किया जाता है, पास किया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इनकम टैक्स इंडियन एक्ट पास करने के बाद पहली बार इनकम टैक्स एक्ट पास किया जाता है. तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या इनकम टैक्स पहली बार 1961 में आया था, ना मुन्ना ना, पहली बार इनकम टैक्स आया था 1922. तो आज भी जब आप मेरे साथ बेर एक्ट पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको 1922 वर्ड दिखता है, इनकम टैक्स एक्ट 1922. यस और नो? सो इनकम टैक्स एक्ट 1922 पिक्चर के अंदर में आया. सो 1857 पहली बार लेकर क्या है, 1860 वाज़ द फर्स्ट लैंडमार्क सर जेम्स विल्सन ने लेकर के आया. 1922 वाज़ द सेकेंड थिंग जो आपको क्या करनी है मालिक, याद रखनी है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया. अब भारतीय सरकार बन चुकी थी, भारत सरकार का जितना पैसा था ये सारा एक तरफ लाना जरूरी था. इसके लिए पहली बार इन द ईयर 1924 सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. क्या बना बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, आप ये पूछेंगे सर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है. बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भारत सरकार का जितना भी पैसा है, कमऑन वापस से एक बार, भारत सरकार का जितना भी पैसा है जिधर से भी, डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट किया, या किसी भी जगह से रेवेन्यू भारत सरकार को आ रही है, इसे एक जगह पे रखा गया, इसे कहा गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. वापस से बोलो, क्या बोला गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. क्या टैक्स भारत सरकार के लिए रेवेन्यू है, अर्निंग्स है, हाँ या हाँ? तो ये पहली बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डाला गया. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली मालिक, जोर से बोल लो, आजादी. ये सुनो, हमें मिला इंडिपेंडेंस. हमें क्या मिला, इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भाई साहब, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या हुआ जरा समझिए. इंडिपेंडेंस मिल चुका था, चलो एवरीबॉडी आर यू विथ मी, आवाज नहीं आई? भाई साहब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सबसे जबरदस्त चीज हुई, सबसे जबरदस्त चीज क्या हुई मैं आपको बताता हूं. इसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करता था और इंडिपेंडेंस के बाद यह बन गया इंडियन पार्लियामेंट. हाया हा, अरे मालिक हाया हा, अब इंडियन पार्लियामेंट बन गया. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, कोई भी नया लॉ बनाने जाते तो एक टेक्निकल डिफिकल्टी आती, बताओ कौन सी, पूछो ना कौन सी. सर टेक्निकल डिफिकल्टी ये आती कि कोई भी लॉ बनाने जाते तो वहां वर्ड लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां वर्ड क्या लिखा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ब्रिटिश पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब इसके लिए क्या किया गया, जो एक्ट 1922 में बना था, जो एक्ट, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी. चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, दो रीजन की वजह से. कितने रीजन की वजह से, दो. पूछो ना कौन से. पहला रीजन ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखा था और दूसरा रीजन इंडियन इनकम टैक्स लिखा था. क्या लिखा था, इंडियन इनकम टैक्स. हां तो सर इंडियन लिखने में फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पूछो ना क्या प्रॉब्लम है. सर प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए विदेश से हमारी कोई प्यारी दोस्त आई, विदेश से कौन आई, प्यारी दोस्त, विदेश से कोई प्यारी दोस्त आई, उसने इनकम कमाई, इनकम कमाते वो कहती थी, इनकम कमा के लेके जा ही रही थी. इतने में वो आया. इस पूरे लेक्चर में जब भी वो आया का मतलब है इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको प्यार से कहते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर. क्या कहते हैं,
एओ एओ आया एओ को ओ मैडम इधर लाओ दो व्हाट नहीं नहीं अरे टैक्स दो मैडम टैक्स दो नहीं देखिए मैं आपको कोई टैक्स नहीं दे रही देखो मैडम आपको मिला ना मेरे को भी चाहिए अरे देखिए आप मुझे टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं दैट्स ओके बट आप सिर्फ इंडियन से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वर्ड क्या लिखा है इंडियन इनकम टैक्स मैं इंडियन हूं ही नहीं तकलीफ क्या आ रही थी समझ आ रहा है टेक्निकल डिफिकल्टी बोलो क्या तकलीफ थी इंडियन इनकम टैक्स लिखने के कारण हो ये रहा था हम सिर्फ उस इनकम पे टैक्स ले पा रहे थे जिसको आप क्या कैरेक्टराइज कर सकते हो इंडियन अब जो इंडियन है ही नहीं फॉरेनर कैसे लोगे उससे इनकम टैक्स देखो पहले दिन बिगड़ते नहीं है मेरी बात से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड नॉट वॉट यू अंडरस्टूड तो पहले दिन उससे ले पाओगे क्या आई मीन उससे ले पाओगे क्या इनकम टैक्स नहीं ले पाओगे इस वर्ड को भी रिप्लेस किया गया तो चलिए क्या मैं कह सकता हूं 1922 में जो एक्ट पास हुआ था उसको रिप्लेस किया गया इन द ईयर बोलना मेरे बच्चे 1961 अब बना इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो आज जो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं दैट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं दैट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लियर है क्यों लाया गया था इसको चेंज करने के लिए दो बेसिक गलतियां थी दो बेसिक इश्यूज थे जल्दी से बताओ पहला इश्यूज ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखा था जो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे और दूसरा इशू इंडियन वर्ड को हटा दिया और सीधा आ गया इंडियन सॉरी सीधा आ गया इनकम टैक्स एक्ट तो अब मुझे बताइए क्या करंट लॉ में फॉरेन से कोई देवी आई क्या इनकी इनकम पर इंडिया में टैक्स किया जा सकेगा हाँ या ना हाँ, हम अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे इनकम क्या है क्या नहीं वो हमारा बात का पार्ट है आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं टैक्स लगा सकेंगे हाँ लगा सकेंगे इसके बाद 1962 में बने इनकम टैक्स रूल्स 1962 हाँ जी इसको लिपस्टिक लगा के रखना इसको लिपस्टिक लगा के रखना फिर बना इनकम टैक्स रूल्स 1962 अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए बहुत जोर से उठना चाहिए सर एक्ट 61 में रूल 62 में ऐसा क्यों पूछो ना हाँ ये सवाल मैं आपको आज दे के रख रहा हूं पॉसिबल हुआ तो आज बता दूंगा नहीं तो कल बताऊंगा पर एक सवाल आपके मन में अभी मैं छोड़ रहा हूं पहले दिन पहला सवाल एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों ये एक सवाल है जो आपके पास डिपॉजिट में रखिए डिस्कस करेंगे पॉसिबल हो तो आज ही कर लेंगे मालिक नहीं तो कल करेंगे ठीक है इसके बाद क्या हुआ पहले ये बताओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना था या नहीं बना था हाँ या ना यस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना था कौन से साल में बना था क्या लिख के रखा है 1924 अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कितना और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कितना कम ऑन एवरीबॉडी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसका कितना और उसका कितना क्लियर नहीं हो पा रहा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करने के लिए इन द ईयर 1964 सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो पार्ट में तोड़ा गया जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था इसको दो पार्ट में तोड़ा गया पहला बनाया गया डायरेक्ट टैक्सेस के लिए और इसके लिए बना सीबीडीटी क्या बना सीबीडीटी एनीवन विद द फुल फॉर्म वेरी गुड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बना सीबीईसी जिसका नाम चेंज करके गया गया सीबीआईसी पहले इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम क्या हुआ करता था बोलो मालिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो था इसको नाम चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम किया गया सो सेंट्रल
बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो DTIDT का डिवीजन है ये आज से नहीं, पहले, बहुत पहले से था। समझ में आ रही है बात? चलिए यहां तक का हिस्ट्री चालू हुआ। इसके बाद हर साल इनकम टैक्स क्या किया गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेंड किया गया। तो मालिक आज जो आप पढ़ रहे हैं दैट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इतनी हिस्ट्री के तौर पे चलते आया है। चलिए एक बार क्विक रिविजन करेंगे मेरे साथ। हाँ या हाँ? चलो आओ जल्दी से। सबसे पहले 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट काहे पे थी बेटा, वॉर। फिर 1860 में क्या हुआ, सर जेम्स विल्सन ने लेकर के आया। 1886 में लॉर्ड डफलिन ने फिर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पहली बार जो लगाया गया था वो सिर्फ कितने साल के लिए था, 5 years। इसके बाद ईयर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1922 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट बना। 1961 में इस एक्ट को चेंज किया गया। दो रीजन थे बड़े, पहला रीजन ब्रिटिश पार्लियामेंट्स वर्ड लिखे थे और दूसरा रीजन इंडियन वर्ड लिखा था जिसको रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद 1962 में बने रूल्स। आपके मन में एक सवाल अभी भी जिंदा है, एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों? ठीक है, फिर जितना रेवेन्यू था सब एक जगह आता था, क्लैरिटी के लिए इसको अलग अलग कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्स अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग, और इसीलिए आज भी आप इसको पढ़ते भी वैसे ही है, डीटी अलग जीएसटी अलग। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर आपने ये तो बता दिया एक्ट कैसे है, पर एक्ट क्या होता है? मैं तो बहुत एवरेज बच्चा हूं, पहला दिन है मेरा, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम एक्ट क्या होता है। भाई तेरा खड़ा है, टेंशन मत ले, सब बताएंगे। आ डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक से डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज रूल्स। अभी मैं उस सवाल पे नहीं आ रहा, एक्ट और रूल्स, एक्ट 1961 में, रूल्स 1962 में। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, को प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं तो कहता हूं एक्ट और रूल्स सेम है, बोलो यस। अच्छा, आप सभी को ना मालिक जवाब देते रहना है, ठीक है, क्योंकि जितने जल्दी अपन जवाब देंगे उतना मजा आएगा, इंट्रैक्शन में मजा आएगा। ठीक है, चलो जल्दी बोलो मालिक, एक्ट और रूल्स दोनों सेम है, बोलो यस। से यस, नहीं डिफरेंस एनीवन? हां जी, रूल्स इंप्लीमेंटेशन के लिए होते हैं, ये एकदम करेक्ट बोला। एक्ट क्या हुआ बेटा, सीए फाउंडेशन 100 mark लॉ और एक्ट तो पढ़ा, पर एक्ट क्या है ये पता ही नहीं। ओ हाँ जी बच्चे, ओके, सो एक्ट पेनल्टी भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही। सी एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ। लॉ क्या है आपको दर्शन करें सर, बिल्कुल बताएंगे लॉ बनता कैसे है, लॉ का मेकिंग प्रोसेस क्या है और लॉ बनाया क्यों गया। एक्ट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ, एक्ट कंटेन्स बोलना मेरे बच्चा प्रोविजंस ऑफ लॉ, वेर एज रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। पूछो कैसे, अरे पूछो ना कैसे सर, बात समझिएगा। एक्ट के अंदर में यह लिखा है कि अगर आपने इनकम कमाई, बात समझना मेरे दोस्त, यस, अगर आपने इनकम कमाई तो यह इनकम के ऊपर आपको रिटर्न भरना है। कहां लिखा है? एक्ट, एक्ट में लिखा है इनकम कमाया तो इनकम के ऊपर रूल्स भरना, यू नो, आपको टैक्स भरना जरूरी, रिटर्न भरना जरूरी है। रूल्स हमें बताते हैं रिटर्न कब भरना है, कैसे भरना है, कौन से फॉर्म में भरना है, कितने तारीख को भरना है, कहां से आएगी, कहां को जाएगी, ये सारी बातें कहां लिखी हुई है, रूल्स। तो एक्ट ने से इतना बोल दिया, भैया असेसी जिसकी इनकम 2,50,000 से ऊपर जा रही है इसको रिटर्न भरना है, लेकिन रिटर्न कौन से फॉर्म में भरना है, रिटर्न कैसे भरना है, कौन सा व्यक्ति कौन सा रिटर्न भरेगा, इंडिविजुअल के रिटर्न क्या, असेसी के रिटर्न क्या, ये सारी बातें कहां लिखी है, रूल्स। तो अब मैं मेरे प्यारे बच्चे से पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक्ट पढ़ के हो जाएगा या रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे? यानी एक्ट को हम पढ़ ही नहीं सकते अनलेस एंड अंटिल वी नो द रूल्स। अरे हेलो,
हमको रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे ताकि हम एक्ट को क्लैरिफाई कर सके। समझ में आ रही बात मेरा? अच्छा जी सर, अब आप ये पूछेंगे सर इनकम टैक्स एक्ट है आया ना, तो एक्ट में सेक्शंस भी होंगे। सेक्शंस कितने हैं सर एक्ट में? जैसे हमारा बचपन का फेवरेट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद आ रहा है जब तुम निब्बा निब्बी हुआ करते थे बचपन? अब वो हो गया, अब तुम बड़े हो गए, आज से तुम बड़े हो गए, आज से तुम सीनियर्स हो गए, बराबर है? वो कल तक के तुम्हारा था वो, अब नया एक्ट, नया गड़ी, नया राज। चलो जल्दी से बोलो, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, अब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। सर कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में? पूछो ना, कितने सेक्शन है? चलिए गेस कीजिए, कितने? 298 सेक्शंस। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड, इनकम टैक्स कंटेन 298 सेक्शंस, पर ये गलत है, 298 ही है, पर ये गलत क्यों है वो समझिए। देर आर 758 सेक्शंस। कितने? एक दिन मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया सब्जेक्ट से, मैं लेकर के बैठा, मैं बोला है क्या जीवन के अंदर में, देखते सर 298 नहीं 758 सेक्शंस बने। सब पूछो कैसे? ये लोग सेक्शन 80 को लिखते वक्त सिर्फ 80 लिखते हैं, 80A, 80B, 80C, 80D, 80DD, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEE, ये सब उन्होंने काउंट ही नहीं किया। समझ आ रही है बात? ये बिल्कुल वैसे ही करते थे, कैसा? जैसे एक बच्ची गाड़ी चला रही है ना लड़की, बराबर है, ये सबको पता है वो लेफ्ट इंडिकेटर दे रही है मतलब वो कहां जाएगी। मैंने कुछ बोला? पता नहीं क्यों हंस रहे, नालायक लोग हो तुम लोग। द पॉइंट इज, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही किया गया, 298 सेक्शंस बोले गए, लेकिन 298 सेक्शन की जगह 758 सेक्शन है बेटा, और पूरे ये सब काउंट ही नहीं किए गए। सो मुझे भी देखना है सेक्शंस कहां मिलेंगे, मुझे भी एक्ट देखना है। देखना चाहोगे प्रैक्टिकली में? बोलो हाँ या हाँ। लो जी, फक्त तुमच्यासाठी इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट, कभी अगर मूड हो जाए मेरे को सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन देखना है, कहां देखने को मिलेगा। वेबसाइट का नाम है incometaxindia.gov.in। कौन सा वेबसाइट है बोलो बच्चा? incometaxindia.gov.in। इधर ऐसा नीचे जाने का, ये देखो ऐसा क्या दिख रहा है बेटा, एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, बजट, सब कुछ यहां पे अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल एक्ट पे क्लिक करना, इनकम टैक्स पे क्लिक करना, सारे सेक्शन एक जगह पे आ जाएंगे। यस, तो आपको ये देखने को मिल सकता है। तो एक्ट में कितने सेक्शन है जल्दी से बोलो? देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट। ये बड़ी ओके एमसीक्यू बनेगी, ये लाइन बड़ी ओके एमसीक्यू बनेगी। एंड देर आर वेरियस रूल्स, वेरियस रूल्स। अच्छा जी सर, सर बात अगर निकली है सेक्शंस की, तो चलिए कभी आपने ये वर्ड तो पढ़ा ही होगा सेक्शंस, से यस, कभी आपने ये वर्ड तो पढ़ा ही होगा सेक्शन, से यस। सर व्हाट आर सेक्शंस? एक्ट इज डिवाइडेड इन सेक्शन, से यस। व्हाट आर सेक्शन? आपको तो पता है, देखो अपन एवरेज बच्चे है, पहले दिन जाकर के मैं नहीं पढ़ा सकता असेसमेंट ईयर क्या है, ये क्या है, मैं समझता हूं भाई मेरे जैसा बच्चा एवरेज है और जीरो से चालू करेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, बराबर है। सेक्शन क्या होते हैं? आपने तो पढ़े ही हैं, कई सेक्शन पढ़े आपने, एनीवन सेक्शन क्या होता है? हाँ हाँ, यस, सेक्शन कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ लॉ, और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो रूल्स में लिखा है। इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो कहां लिखा है? रूल्स। सो इट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ। सर प्लीज ये पढ़िए ना, चलिए मैं कुछ लोगों से पूछता हूं, वो प्लीज मुझे बताएंगे, ठीक है, जिनसे पूछता हूं वो मेरे को बताएगा। यस एट द एंड बेटा आप, ठीक है। हाँ भाई, ये रीड करना, ये क्या लिखा है ये? हाँ ट्राई कर, मैं 100% चाहता हूं तू गलत हो, ट्राई कर कोई टेन। हाँ क्या लिखा है? सेक्शन टू, हाँ
सबसेक्शन 22, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा हाँ। भाई पढ़ना क्या लिखा है? हाँ तू ही पढ़ ले। अच्छा एक बात, ये खड़े मत हो, अपन है ना वो फाउंडेशन के बच्चे नहीं है, बढ़े बोल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, हाँ पॉइंट नंबर 1, हाँ पॉइंट नंबर 4, हाँ चलिए हाँ एनीवन। पहला सेक्शन, दूसरा सबसेक्शन, तीसरा क्लॉज, चौथा ये बात। सेक्शन ना पढ़ने से पहले ये समझो पढ़ना कैसे है। क्या हुआ जब मैं सीए बन गया, जॉब पे गया, जॉब पे जाने के बाद पहली बार मेरे हाथ में ऐसा बुक थमा दिया, बोला ये लो ये सेक्शन नंबर निकालो। ईमानदारी से बता रहा हूं इतना गंदा फील हुआ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था करते कैसे है। बनने के बाद की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे को कभी टीचर ने ये सब बताया नहीं, हमारे को इतना बताया हाँ 298 सेक्शन है, पर उस सेक्शन को रीड कैसे करते। जब इंटरव्यू लिया गया पहली बार मेरे को समझ में आया कि भैया मेरा बीएमडब्ल्यू है, मेरे बेसिक में वांदे है, मेरा क्या है बीएमडब्ल्यू, मेरे बेसिक में वांदे है। तो आप सबको मैं ये चीज नहीं चाहता हूं। तो चलो सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे सेक्शन को, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4, समझ में आया? दैट इज हाउ यू रीड अ सेक्शन। क्या सेक्शन पढ़ते वक्त सिर्फ सेक्शंस होते हैं? ना मुन्ना ना, इसमें प्रोविजो भी होता है। इसको प्रोविजो या प्रोविजो दो तरीके से बोला जाता है, प्रोविजो या प्रोविजो। जब भी आप एक्ट पढ़ते रहेंगे, सेक्शन पढ़ते रहेंगे, सेक्शन में प्रोविजो आएगा। इसको इस तरह से यूज किया जाता है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब आप अगर किसी भी सेक्शन में ये वर्ड पढ़ ले प्रोवाइडेड दैट, इसको हम कहते हैं प्रोविजो। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोविजो। सर कैन आई आस्क यू वन थिंग? हां जी सर। व्हाट इज प्रोविजो? एक्सेप्शन टू सेक्शन, दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन। जैसे अगर सीधे शब्दों में बता जाऊं, विजय इज अ गुड बॉय, प्रोवाइडेड दैट यू आर ऑल्सो गुड। क्या बोला? वापस से बोलो, विजय इज अ गुड बॉय, प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट इज एन एक्सेप्शन। व्हेन विजय इज अ गुड बॉय? व्हेन यू आर गुड। समझ में आई बात? व्हेन यू आर गुड। सो अगर आप गुड नहीं है तो हम भी गुड नहीं है, बराबर है? इसे शायरी से समझाना चाहूंगा, जरा प्यार से एक बार आदाब कीजिएगा, इरशाद कीजिए। देखो मैं पहले ही बता देता हूं, अपन पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? और आपको भी करना है। शायरी बड़ी प्यारी सी चीज है क्योंकि इश्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं आज आपको शायरी के कुछ रूल्स बताता हूँ। शायरी बोलने से पहले इरशाद होता है। क्या होता है? आपको समझे या ना समझे, पर मैं गारंटी देता हूं 60 दिन बाद आप बहुत समझेंगे इन सब चीजों को। पहले होता है इरशाद, फिर होता है पहला स्टैंजा, उसमें होता है वाह, बराबर है? समझे या ना समझे, और एंड में अगर समझ में आ गया तो बहुत खूब, बराबर है? और नहीं तो चुप 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 बैठो, एक नंबर, ठीक है? तो इरशाद करिएगा जरा। हाँ तो मान लीजिए ये जो पारंपरिक वीक चल रहा है ये उन सभी लड़के और लड़कियों के लिए है जो जिनको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा, मैसेज तो जा रहा है लेकिन प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो उनके अगेंस्ट में हम एक एटीट्यूड वाला पॉइंट बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कि बदल दिए हमने भी जीने के तरीके, क्या बदल दिए हमने भी जीने के तरीके, अब जैसी दुनिया वैसे हम। तो भाई साहब प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है? एक्सेप्शन। सब सही है लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, ये सुनो। तो ये चीज चलती है सेक्शन के अंदर में। चलिए शुरुआत करते हैं, हमें यहां से मिला था एक्ट कहां से आया, हम ढूंढने निकले एक्ट और रूल्स के बीच में फर्क क्या है। जब एक्ट पढ़ा तो एक वर्ड मिला, क्या बेटा? सेक्शन। हम सेक्शन ढूंढने निकले, सेक्शन कैसे होते हैं, सेक्शन को रीड कैसे करते हैं और सेक्शन के अंदर में क्या वर्ड होते हैं। सेक्शन के अंदर में एक और चीज होती है एक्सप्लेनेशन।
क्या होता है? एक्सप्लेनेशन. ये सब सेक्शन का पार्ट है. सेक्शन में प्रोविजन होती है, प्रोविजन के नीचे प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन भी होता है और उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होता है. अब पूछो एक्सप्लेनेशन क्या है. सर दीज आर डेफिनेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस ऑफ सेक्शंस. मान लीजिए सेक्शन में आपने कोई वर्ड यूज किया तो ये सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे लिखा होता है. अगर इनकम टैक्स चाहता है कि इसको बहुत अच्छे से इलेबरेट कर दिया जाए तो वो एक्सप्लेनेशन में दे देता. जैसे कि मान लीजिए अगर सेक्शन में लिख दिया रेसिडेंशियल हाउस. अब रेसिडेंशियल हाउस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, डोंट यू थिंक सो? पूछो कैसे. झोपड़ी भी हो सकती है और महल भी हो सकता है. तो एग्जैक्टली इनकम टैक्स कहना क्या चाह रहा है वो नीचे जाएगा, एक्सप्लेनेशन देगा, रेसिडेंशियल हाउस मीन्स दिस. तो सेक्शन के नीचे ही आपको उस चीज का एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा कि सेक्शन कहना क्या चाह रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो सबसे पहले क्या होगा, एक्ट. एक्ट के अंदर क्या मिलेंगे बेटा? सेक्शन. सेक्शन के अंदर दो चीज मिलेगी, क्या? प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन. तो ये एक बेसिक पार्ट है एक्ट का. सेक्शन के अलावा कई बार आपने कुछ और वर्ड भी पढ़े होंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम मेजरली चार वर्ड पढ़ेंगे. पहला वर्ड होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961. हमारा पहला टारगेट है इन चार वर्ड को एक एक करके तोड़ना. इन चार वर्ड को एक एक करके तोड़ना. हम पहली चीज तोड़ने जा रहे हैं एक्ट. हम पहला वर्ड तोड़ने जा रहे हैं क्या बेटा? एक्ट. क्या सिर्फ एक्ट में एक्ट और रूल्स पढ़ के काम चल जाएगा? आंसर इज नो. देर आर सर्टन कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स. देर आर सर्टन कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स. पहला था एक्ट, दूसरा था रूल्स, तीसरा नोटिफिकेशन, चौथा सर्कुलर और पांचवा केस लॉ. इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ के काम नहीं होगा. आपको एक्ट पढ़ने पड़ेंगे प्रोविजन समझने के लिए और साथ साथ में रूल्स पढ़ने पड़ेंगे इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए. लेकिन सिर्फ ये दो चीज करके भी काम नहीं होती ना दोस्त, बराबर है? सिर्फ प्यार कर लेना और समय बिताने से काफी नहीं होता. बाबू सोना जादू टोना को गिफ्ट भी देना पड़ता है, एक टेडी बेयर भी देना पड़ता है. समझ आ रही है बात? सो तीसरी चीज है नोटिफिकेशन. तीसरी चीज क्या बेटा? नोटिफिकेशन. अब आप ये पूछेंगे सर ये नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? पूछो ना. एक मिनट, पहले ये बताता हूं मिलेंगे कहां. याद है इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाना, यहां एक्ट के साथ रूल्स के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? नोटिफिकेशंस. तो नोटिफिकेशन यहां मिलेंगे. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे देखिए जितने नोटिफिकेशंस है एज ऑफ नाउ 1069 नोटिफिकेशंस. तो ये फर्स्ट पेज ऑफ 1069 पेजेस है और एक पेज में इतने ही नोटिफिकेशन है सिर्फ. सिर्फ सो ये नोटिफिकेशंस होते हैं. आप नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करते हो और आपको सारा नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाता है. दैट्स हाउ नोटिफिकेशन कम. सर नोटिफिकेशंस होता क्या है? क्या होता है नोटिफिकेशंस? लेटेस्ट अपडेट्स. तो अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे उसको, छोटे मोटे चेंजेस. तो अभी एक वर्ड में कंफ्यूजन है, अमेंडमेंट एंड नोटिफिकेशन, बराबर है? व्हाट इज नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. वापस से एक बार, कम ऑन. नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. चलो फिर से एक बार, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. कोई भी चेंज आया ये लोगों तक पहुंचाया जाता है किसके थ्रू? नोटिफिकेशन. पूछो कैसे? अब जरा ध्यान से सुनिए सर. होता यह है कि लॉ बनाया, जैसे सबसे पहले एक लॉ बना था, जरा ध्यान से सुनना. लॉ बनाया कि भैया अगर आपको रिटर्न भरना है या पैन लेना है आधार कार्ड जरूरी है. क्या जरूरी है? आधार कार्ड जरूरी है. अब जरा ध्यान से सुनिए, ये लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया, कम ऑन. हेलो, लॉ मेकर ने
लॉ तो बना दिया, लेकिन ये लॉ बनने के साथ साथ अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कहां आ रही थी बोलो जल्दी से, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये कैसे सॉल्व हुई मैं आपको बताता हूं, इंप्लीमेंटेशन में तकलीफ क्या थी और सॉल्व कैसे हुई। लॉ मेकर ने लॉ बनाया, आधार कार्ड जरूरी है रिटर्न भरने से पहले और पैन लेने। आपको पता है वो दीदी आई थी, फॉरेनर दीदी। अब फॉरेनर दीदी आई, फॉरेनर दीदी वापस आई, फॉरेनर दीदी आई, हाय इनकम टैक्स बोलो, अरे मैडम आई आई, आप बोलो सिर्फ क्या चाहिए, आप बोलो सिर्फ, आधी रात को मैं हाजिर हूं। देखिए मैंने इंडिया से इनकम तो कमाया है, बट आई एम रियली सॉरी मैं इस पर टैक्स नहीं दे सकती। नहीं नहीं मैडम, देना तो पड़ेगा आपको। गंदे लोग, नहीं मैडम देना तो पड़ेगा। ना ना भाया कैसे कर रहे हो भाया, मैं नहीं दे सकती ना। प्रॉब्लम ये है, आपने रिटर्न भरने से पहले मुझे कहा है कि यू नो आधार कार्ड होना जरूरी है, मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है। नहीं पर मैडम रिटर्न तो आपको भरना पड़ेगा, बेसिक इशू है ना लॉ में, यू हैव सेड आधार होना जरूरी है। आधार आपने सिर्फ रेसिडेंस को इशू किया, मैं कौन हूं नॉन रेसिडेंट, तो मेरे पास तो आधार है ही नहीं, और आधार है ही नहीं तो मैं रिटर्न भर ही नहीं सकती। ध्यान से समझ, लॉ मेकर ने लॉ बनाया क्या, लॉ बनाते वक्त उसने ये पॉइंट नहीं सोचा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। हेलो, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया दोस्त, लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं कि ये भी इशू आ सकते हैं, टेक्निकल इशू आ सकते हैं। अब जरूरी क्या बन गया, क्या कोई चेंज की जरूरत है, हाँ या ना? ये चेंज लाया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन। समझ में आ रही बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लॉ मेकर लॉ बनाते वक्त कुछ चीज ध्यान में नहीं रख पाता, या समय के हिसाब से उस लॉ को अपडेट की जरूरत होती है। इसको कैसे अपडेट किया जाता है, बाय ब्रिंगिंग अ नोटिफिकेशन। सो व्हाट इज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। इनफैक्ट जो अमेंडमेंट भी आता है वो अमेंडमेंट को भी क्या किया जाता है, नोटिफाई। वो अमेंडमेंट को भी क्या किया जाता है, नोटिफाई, नोटिफाई किया जाता है। अरे आसान अपने भाषा में समझाता हूं भाई साहब, सुनो। दोस्त ने फोटो चेंज किया, फोटो पे कमेंट किया, हमें क्या आता, कम्युनिकेशन ऑफ चेंज। उसने फोटो अपडेट की, हमें क्या आता, नोटिफिकेशन। उसने मैसेज किया, हमें क्या आता, नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। सर नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, इट इज अवेलेबल ऑन, बोलो बेटा, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। सर इशू कौन करता है, इट इज इशूड बाय CBDT। DT का पार्ट है तो कौन इशू करेगा बेटा, बोलो जल्दी से। ऑल नोटिफिकेशन 6 months before exam are applicable. All notification 6 months before exam are applicable. तो समझिए, आपका अगर November 23 एग्जाम है तो May 23 तक के जितने नोटिफिकेशन है सब आपको एप्लीकेबल है। मतलब सिर्फ एक्ट पढ़ के काम होगा क्या मेरा बच्चा, नहीं, एक्ट के साथ साथ रूल्स, रूल्स के साथ साथ नोटिफिकेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। समझ आ रही बात, सो ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। तो अगर आपका अटेम्प्ट November 23 है या December 23 है, तो अकॉर्डिंगली मई या June 23 तक के जितने नोटिफिकेशन आएंगे ये सब आपको बाय डिफॉल्ट में एप्लीकेबल है। यस और नो, यस। अब जरा लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं और फिर ब्रेक देंगे। सर सर्क्यूलर, ये भी एक वर्ड कभी सुना सुना सा लग रहा है, से यस बताइए, एनीवन विद द सर्कुलर, कोई आइडिया सर्कुलर क्या होता है, रफ आइडिया, मेरे को सही जवाब नहीं चाहिए, हम सब यहां पे सीखने आए हैं, एनीवन। हाँ जी भाई, ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए सर्कुलर यूज होता है। जितने बच्चे ऑनलाइन है इनमें से कोई जवाब देना चाहेगा जल्दी से जवाब दीजिए, व्हाट इज सर्कुलर, एनीवन एल्स, और कोई, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ प्रमोशन टाइप्स का जैसा कुछ, ओके. और कुछ, एनीवन एल्स? पढ़ा के दिखाऊं या बना के दिखाऊं? बना के. चलो सबको साथ देना पड़ेगा. आर यू रेडी? पक्का? अबे हाँ तो बोल दो. मैं तुम्हारे लिए मेरी सगी बीवी को छोड़ के आया हूं सुबह सुबह. अरे सगी मतलब समझो बे. हाँ जी ठीक है. क्या है बेटा? सॉरी क्या हो? जो मन में आ रहा है बिंदास बोल सकती हो. पूरे भारत में यही एक ऐसा लेक्चर है जहां पे बोल सकते हो. हाँ कैंडल. नहीं माना मेरे को डी मिला था ड्राइंग में इतना. चलो कैंडल ठीक है. हाँ बेटा बताओ क्या है ये? हाँ मैं ना कसम से बता रहा हूं एक लड़के को एक कैंडल नहीं दिखेगी. ड्राइंग चेंज अपडेट अमेंडमेंट इन ड्राइंग बाय नोटिफिकेशन. अरे नहीं नहीं बड़ी बन गई. एक जन बोल रहा है सर चॉकलेट शेक, दूसरा बोल रहा है शिवानी केक. एक मिनट यार ये लड़कियों का आज हुआ क्या? केक कैंडल ऐसा वीक गलत है कि डे गलत है? मेरे को समझ नहीं आ रहा. हाँ अब यस मैम. मैम क्या है ये बोलो ना. अरे ट्राई करो. हाँ जूस का ग्लास. आते हैं लड़कों पे. हाँ बोल भाई क्या है? बियर का ग्लास. हाँ हाँ क्या है? पेग 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 है पेग. अच्छा हाँ भाई बता. एंड एंड सर 90 है 90. एक सर नींबू पानी, एक कह रहा है सर ब्लू पेंट, तीसरा कह रहा है सर बाल्टी और मग्स, चौथा कह रहा है क्रेयॉन्स. सैनिटाइजर. ओल्ड मॉन्क. क्या होता है ये? बुड्ढा बाबा. चलो ध्यान से सुनिए. चलो ध्यान से सुनना. एक मेरी बात समझो. मैंने यहां पे कुछ ड्रॉ किया. अंडरस्टैंड लॉ मेकर ने लॉ बनाया लेकिन हर एक ने अपनी मर्जी अपनी इच्छा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे इंटरप्रेट किया. हेलो किसी ने इसे बियर समझा, किसी ने कैंडल समझा, किसी ने बाल्टी समझी, किसी ने केक समझा, किसी ने 90, किसी ने 60, किसी ने 30. कैपेसिटी से डिफर हुआ. एक बात समझाओ. अगर आप यहां बैठे बैठे कुछ बहुत कम लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. डोंट यू थिंक सो? इनकम टैक्स भी एक ही लॉ को या इनकम टैक्स ऑफिसर भी एक ही लॉ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है. हेलो इज इट पॉसिबल जो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर जो असेसिंग ऑफिसर मुंबई में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, कोलकाता में बैठा है और जो चेन्नई में बैठा है, इनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है? हाँ या ना? अब सोच के देखो. अगर इनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ, अगर इनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ, इमेजिन ठीक है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होने से क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत जोर से पेट दुख रहा था, बहुत जोर से पेट दुख रहा था, मैं डॉक्टर के पास गया. आर यू विद मी? मैं डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर बहुत पेट दुख. डॉक्टर हाँ कुछ नहीं गया, ऐसे जाओ, पेट दर्द नहीं हुआ. मैं दूसरे के पास गया तो बहुत दुख रहा. ओहो तुम्हें तो अरे बहुत तकलीफ है और थोड़ा इंटेस्टाइन कंजेशन है. तीसरे के पास गया तो बहुत दुख रहा है. ओहो तुम्हें तो वो हो गया जो नहीं होना था. तुम तो वो
ध्यान नहीं दिया था तुमने? अरे अंडरस्टैंड, अगर एक ही सिचुएशन पे लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे, लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा। तुम सोच के देखो, खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही अगर एक लॉ पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेकर के आ जाए तो लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। एक ये वो हाँ बोल रहा, दूसरा ये वो ना बोल रहा। सपोज मैंने कोई खर्चा कर दिया, एक इनकम टैक्स ऑफिसर अलाउ है कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा ऑफिसर बोल रहा है हाँ चालनार नहीं, एक बोल रहा अरे ले तू बिंदास कोई टेंशन नहीं, दूसरा घेतला तर मारल्याशिवाय राहणार नाही, कन्फ्यूजन होगा। टू अवॉइड दिस, क्लैरिटी के लिए सर्कुलर लाया जाता है। क्या लाया जाता है बोले जल्दी से? सर्कुलर। तो सर्कुलर इज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, इट इज इंटरनल टू डिपार्टमेंट। दीज आर ऑल्सो इशूड बाय सीबीडीटी। दीज आर मैंडेटरी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉट टू असेसी। ओहो क्या लाइन लिखी है, काजल लगाओ इसके नीचे। दीज आर मैंडेटरी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉट मैंडेटरी टू असेसी। अच्छा इस लाइन को समझते हैं, अंडरस्टैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कॉमन होना जरूरी है। एज अ टैक्स पेयर मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है कभी भी, हाँ या ना? ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है डिपार्टमेंट से, पर डिपार्टमेंट का तो ओपिनियन एक ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे हेलो, डिपार्टमेंट का ओपिनियन तो एक ही होना चाहिए। मेरा ओपिनियन एज अ टैक्स पेयर बदल सकता है, उनका नहीं बदलना चाहिए। गेटिंग इट और नॉट? तो चलिए ब्रेक से पहले हम लोगों ने क्या किया फटाफट देखते हैं। ब्रेक से पहले राइट, हम थोड़ा स्लो ही चलते हैं। सर मैं इतना ही स्लो चलता हूं मजे के साथ, ठीक है, और उतने ही डीप में जाकर के, क्योंकि अपना फंडा बड़ा क्लियर है। पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सबसे पहले हम लोगों ने आके हिस्ट्री पढ़ी, 1922 में पहली बार एक्ट बना था, हाँ या हाँ में जवाब चाहिए, यस। इसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस के बाद एक्ट बना 1961, 1961 में एक्ट बना, 1962 में रूल्स बने, से यस राइट। 1964 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी में डिवाइड किया गया। फिर हम ढूंढने निकले एक्ट आखिर होता क्या है, क्योंकि आपको तो पता है अपन बेसिक बच्चे, अपन एक्ट ढूंढने निकले। एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ लॉ, ये प्रोविजंस लिखी कहां होती है? सेक्शंस में, यस। रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन, इस प्रोविजन का ही इंप्लीमेंटेशन रूल्स में लिखा होता है। एक्ट में कितने सेक्शन है जल्दी बोलो मेरे दोस्त? 298। सेक्शन को रीड कहते करते, पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। क्या सेक्शन में सिर्फ सेक्शन होते हैं या प्रोविजो भी होता है? प्रोविजो आर एक्सेप्शन टू सेक्शन, कैसे लिखा होगा? प्रोवाइडेड दैट, क्लियर है? और अगर कुछ डिफाइन करना तो वो वही डिफाइन कर देते हैं, इन द नेम ऑफ एक्सप्लेनेशन, यस और नो? इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं पढ़ सकते, देर आर सर्टन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? पहला एक्ट, दूसरा रूल्स, तीसरा नोटिफिकेशन, चौथा सर्कुलर। क्या नोटिफिकेशन सर्कुलर दोनों सीबीडीटी इश्यू करते हैं? बोथ आर सिक्स मंथ बिफोर एग्जामिनेशन। सेम मैंने बिफोर एग्जामिनेशन तक के सारे नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है, यस और नो? नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट, क्लियर है मालिक? ब्रेक के बाद 10 मिनट के बाद यहां पे आकर के केस लॉ पर डिस्कशन करेंगे, यस। हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद डिस्कशन करेंगे।
हाँ जी हाँ चलो जी चलो जल्दी से चालू करेंगे मालिक यस और नो चलिए सर सर हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये चार वर्ड पढ़ने आज हमको जिसमें से पहला वर्ड एक्ट खोद के बाहर निकाल रहे हैं क्या सिर्फ एक्ट में एक्ट ही पढ़ना है ना क्या सिर्फ एक्ट में एक्ट ही पढ़ना है ना एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना है बेटा सेक्शन रूल्स सॉरी रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड केस लॉस आइए केस लॉस समझते हैं सर आपका बचपन वाला केस लॉ उठाते हैं याद आया ऐसा कुछ ये वो बचपन वाला केस याद ही होगा आपको फाउंडेशन में पढ़ा था चिन्नाया वर्सेस रामया याद आ रहा है बट हाउ केस लॉ इज रीडेड किसने किस पे केस किया यहां पे चिन्नाया ने किस पे केस किया है रामया यहां तक तो ठीक था ये हमें समझता भी है ये क्या लिखा होता है ये क्या लिखा होता है ये आपको समझना जरूरी है ठीक है जब भी इनकम टैक्स में यस अतुल भैया सारे एसी एक बार चालू करो ना और ये यहां का भी एक बार सेट करो ना चिन्नाया वर्सेस रामया इसके आगे लिखा होता है आईटीआर 2016 एंड 18 ये क्या लिखा होता है देखिए आप कभी अगर आपने कभी सीए का ऑफिस विजिट किया होगा कभी आपने सीए का ऑफिस विजिट किया होगा तो देखा होगा बड़ी बड़ी बुक्स रखी हुई होती है यस और नो एग्जैक्टली वो होती क्या है उसमें एक्ट भी होते हैं रूल्स भी होते हैं और एक बुक होता है उसमें केस लॉ अब सपोज अगर वन आई हैव टू फाइंड अ वन पर्टिकुलर केस लॉ If I had to find one particular case law, तो ये कैसे ढूंढेंगे हमें ढूंढना होगा ITR, which stands for Income Tax Ruling. Ruling मतलब जो judgment आया है वो This ruling is of which year and this is case number. मतलब ये जो judgment था ये 2016 का 18वां judgment था जो पास हुआ था That is how this is to be understood. तो आप जो बुक लेंगे इनकम टैक्स रूलिंग की बुक आती है आप जो बुक लेंगे वो इनकम टैक्स रूलिंग की एक बुक होती है इनकम टैक्स रूलिंग में 2016 में 18वां नंबर का केस था चिन्नैया वर्सेस रमैया दैट हैज टू बी रीडेड लाइक दिस समझ में आ रही बात कितनों को पहली बार पता चला सीरियसली मतलब आपने कभी नहीं समझा था ये कैसा होता है तो इसके आगे समझ में आया आज जाना अपने दोस्तों को बताना तेरे को पता है केस लॉ को रीड कैसे करते हैं वो बता नहीं पाएगा वो नहीं छोटे छोटे फाउंडेशन वाले अभी जो तुम्हारे हैं ठीक है वो आप जैसे उसको बताएंगे भैया आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रूलिंग का 2016 का 18वां नंबर का जजमेंट था उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे बोला भाई फुल रिस्पेक्ट ये बात अंदर की है सिर्फ अपने को मालूम है समझ में आ रही बात उनको यही बताना फिर उसको लगे तभी चला इंटर में मजे लेते रहने चाहिए तो जो केस लॉज है यस ये जो केस लॉज है सारे के सारे ये आपको कहां मिलेंगे इनकम टैक्स रूलिंग्स में आते हैं सारे के सारे केस लॉ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टैक्सेशन यस सर तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स जल्दी बताइए इनकम टैक्स पढ़ते वक्त क्या मेरा बच्चा सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेगा नहीं बोलो क्या क्या पढ़ना है उसको पहले एक्ट फिर रूल्स फिर नोटिफिकेशन फिर सर्कुलर फिर केस लॉ ये सब मिला के आपका लॉ बनता है ये सब मिला के आपका लॉ बनता है तो समझ रहे हो लॉ कितना छोटा है राइट चलिए लॉ बनने से याद आया आखिर ये लॉ बनता कैसे है
ये भी तो समझना होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए ये भी समझते हैं आखिर ये लॉ बनता कैसे है। लेट अस अंडरस्टैंड लॉ मेकिंग प्रोसेस, लेट अस अंडरस्टैंड लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसको भी सामने, पहले होते हैं लॉ मेकर, दूसरे होते हैं लॉ इंटरप्रिटर, और तीसरे होते हैं लॉ इंप्लीमेंटर, और तीसरे होते हैं लॉ इंटरप्रिटर। लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रिटर, ऐसे तीन लोग होते हैं। सबसे पहले आता है बेटा लॉ मेकर। लॉ मेकर वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं। चलो एवरीबॉडी प्लीज आंसर, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? हां जी, पार्लियामेंट, यस और नो? पार्लियामेंट लॉ बनाती है या पास करती है? हाँ, मतलब लॉ बनाने का क्वेश्चन का जवाब तो ये नहीं है। हेलो, लॉ बनाने का क्वेश्चन नहीं, मेरा सवाल आप लोगों से ये, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वाओ, कितना गलत जवाब दिया ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गलत जवाब है। पूछो क्यों? अरे कंपनी लॉ ही सिर्फ लॉ थोड़ी ना होता? अरे भाई जी, कंपनी लॉ ही लॉ थोड़ी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्रिमिनल लॉ एमसीए बना देगा? मैंने इस लड़की का मर्डर किया, एमसीए मेरे को सजा देगा? मस्त मस्त। चलो और एक मौका देता हूं, हु मेक्स लॉ इन इंडिया? लेजिस्लेचर बॉडी। हाँ, डिपार्टमेंट। हाँ जैसे चलेगा, गलत जवाब चलेंगे बिल्कुल, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लॉ बनाता है। एनीवन एल्स? मिनिस्ट्री ऑफ मिनसिन, मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न, क्या कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, तो भाई ने आज आविष्कार किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, मस्त। हाँ जी, परफेक्ट जवाब सर। लॉ बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आहा, क्या 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 क्या, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विथ अदर मिनिस्ट्री, विथ अदर मिनिस्ट्री। यस, सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं, इस ड्राफ्ट को कहा जाता है बिल, कभी सुना है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उस मिनिस्ट्री के साथ बैठती है जिस मिनिस्ट्री पे लॉ बनाना है, बराबर है? और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसका लॉ बनाती है, एक ड्राफ्ट बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? बिल। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? बिल। बिल रखा जाता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपको अभी दर्शन सर बताएंगे कि किस तरीके से वो वर्क होता है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। इसके बाद इसको किसका बताओ जी, इसके बाद उसको किसका असेंट मिलता है? प्रेसिडेंट असेंट, और प्रेसिडेंट असेंट के बाद वो क्या बन जाता है बेटा? एक्ट। क्लियर है मालिक? सो जल्दी से पहले बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉ बनाया, लॉ बना करके इसे पार्लियामेंट में रखा, पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया, तो क्या बन गया? प्रेसिडेंट। एक्ट बनाने वालों ने एक्ट बना दिया, लेकिन अब इस एक्ट को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई बॉडी होती है, ये हमारे केस में कौन है बेटा? सीबीडीटी, सीबीआईसी।
हमारे केस में कोई बॉडी होती है सीबीडीटी सीबीआईसी, ये क्या बनाते हैं सर, ये रूल्स लेके आते हैं, नोटिफिकेशन लेके आते हैं, सर्कुलर लेके आते हैं। ये क्या लेके आते हैं सर, रूल्स नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। देखो लॉ मेकर ने लॉ बनाया लेकिन लॉ इंप्लीमेंटेशन करते वक्त एक्चुअल दिक्कतें पता चलती है, क्या दिक्कत होती है, चलो अब ध्यान से जो आपने पढ़ा उसको कनेक्ट करने जा रहा हूं। सर कैसे, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, ध्यान से सुनना, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, रिटर्न भरते वक्त आपको किस चीज की जरूरत है, बोलो जल्दी से, पैन, आधार, यस। अब आधार किसके ऊपर एप्लीकेबल था, रेसिडेंट्स, नॉन रेसिडेंट्स पे था क्या, नहीं। अब नॉन रेसिडेंट को भी रिटर्न तो भरना ही था, हेलो, नॉन रेसिडेंट को भी रिटर्न तो भरना ही था। ये केस आया नोटिफिकेशन में, सीबीडीटी वालों को समझ में आया कि भैया लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, इंप्लीमेंटेशन करते वक्त दिक्कत आ रही है, वो लेके आते हैं नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन से लॉ को क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट। दूसरी चीज, आधार तीन जगह पे अभी एप्लीकेबिलिटी से बाहर था, जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय, क्लियर है। अब यहां के लोग भी इनकम तो कमा ही रहे हैं, हाँ या ना, अब इन लोगों को भी रिटर्न तो भरना ही था। अब ये लोग के साथ तकलीफ क्या थी, इन लोगों के साथ तकलीफ ये, आधार एप्लीकेबल ही नहीं और रिटर्न भरना, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, इंप्लीमेंटेशन करते वक्त दिक्कत आई, वापस से क्या लेके आए, नोटिफिकेशन। समझ में आ रही बात, अच्छा जी। तीसरी चीज, लॉ इंटरप्रिटर, लॉ इंटरप्रिटर, जैसे कि कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए होता क्या है, समझना, लॉ मेकर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिए एक ब्यूटीफुल सिचुएशन जरा समझिएगा, एक एक्ट में लिखा था, एक एक्ट के सेक्शन में लिखा था, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू कंपनी, क्या लिखा था, द सेक्शन इज अवेलेबल टू कंपनी, द सेक्शन इज एप्लीकेबल टू कंपनी, ये लिखा था, बराबर है। एक फॉरेन कंपनी आई, फॉरेन कंपनी ने ये बेनिफिट ले लिया, एक फॉरेन कंपनी आई, फॉरेन कंपनी ने बेनिफिट ले लिया, एओ, ए, 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 इधर, इधर, एओ, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ए, ए, इधर, क्या 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 बेनिफिट ले रहे हो, कंपनी बेनिफिट, हाँ कंपनी, लेकिन कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी था, अच्छा कहाँ लिखा था, अरे लिखा है ना, द बेनिफिट इज अवेलेबल टू कंपनी, कंपनी, ये कहाँ लिखा था, इंडियन कंपनी, तुमने रोका ही नहीं, हम आगे बढ़ गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अरे इंटेंशन ये था ये सिर्फ इंडियंस को मिले, हाँ तो बोलते ना, देखो पहले क्लियर किया करो, तो बाद में ये नखरे नहीं समझ आते अपने, तुमने रोका ही नहीं हम आगे बढ़ गए, गलत कर रहा है कुछ। लॉ का अगर इंटेंशन था तो लॉ ने इंटेंशन क्लियर करना चाहिए था, अब लॉ ने इंटेंशन क्लियर नहीं किया, अब यहां आता है डिस्प्यूट, यहां क्या आता है डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट को कोई तो सॉल्व करेगा ना बाबू, ये डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, लॉ इंटरप्रेटर्स। तो लॉ मेकर लॉ बनाते हैं, इंप्लीमेंटर्स इंप्लीमेंट करते हैं, और इंटरप्रेटर्स इसे इंटरप्रीट करके एक नया प्रोविजन देते हैं। कभी सोच के देखिएगा, आपने कहा हर साल अमेंडमेंट आते हैं, बोला ये नहीं बोला, हाँ या ना, पर अमेंडमेंट क्या लाना है, ये क्या लॉ मेकर को समझता होगा क्या, ऐसा सिचुएशन होता होगा क्या कि लॉ मेकर सोया है, इतने में न्याय की देवी आई, कही हेलो उठो उठो उठो, हेलो कल ये अमेंडमेंट कर देना, उसका सपना आता होगा कि अमेंडमेंट क्या करना है, एब्सोल्युटली नो। तो लॉ बनता कैसे होगा, या तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम चालू है इसके लिए लॉ बना, लॉ चेंज करने की जरूरत पड़ी इसलिए लॉ बना, ये सुनो। और कई बार कोर्ट के डिसीजन के कारण क्या बन जाता है लॉ, जैसे राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, रिकॉग्नाइजिंग द थर्ड जेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दे दिया, इतने सालों से चलते आ रहे डिस्प्यूट से क्लियर हो गए, समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनती है, ये सारी चीजें लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनती है। पर आखिर कोई भी लॉ जब बनता है
बनता तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी से है, यस और नो? क्या इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये भी समझना जरूरी है। से यस और नो? तो इनकम टैक्स क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये भी समझना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो बात उन दिनों की है। बात किन दिनों की है? उन दिनों की। जरा ध्यान से सुनना, बात उन दिनों की है जब ये मेरा भाई, नाम क्या पैतृ? वंश। हाँ, मेरा भाई वंश एकदम आराम से सो रहा था। सभी लोग मेरे पास है, हेलो आर यू विथ मी? वंश अपने घर में आराम से सो रहा था, इतने में घर की बेल बजी, टिंग डोंग। वंश उठा, उसने कपड़े पहने, उसने कपड़े पहन रखे थे, उसने बचे हुए कपड़े पहने। वंश आया बाहर, बोला क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके घर पे रेड पड़ी है, बाजू हटो। वंश, यहां पे रेड पड़ी? मेरे घर पे? बोला हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट इसके बेडरूम में गए, पूरी चादर बिखरी हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट चादर, बहुत सारे फोन्स पड़े थे। अचानक बेड के नीचे से कुछ आवाज आ रही थी, उनने तुरंत बेड के नीचे झुक के देखा तो एक बॉक्स पड़ा था। बॉक्स बाहर निकाला, बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर निकले। उधर बाथरूम में पानी की आवाज आ रही थी। ध्यान से सुनते जाना, सब इंपॉर्टेंट है। पानी की आवाज आ रही थी, गेट नॉक किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, पर पानी की आवाज आ रही थी। गेट खोला, नल के बाजू एक अलमारी थी, वो अलमारी खोलते ही चांदी के बड़े बड़े ईंट निकले। बाथरूम में एक पर्दा भी था व्हाइट कलर का, वैसे तुम जो ढूंढ रहे हो मिलने नहीं वाला। बेटा टैक्स का क्लास है, बायोलॉजी का नहीं। इमेजिनेशन पावर देख रहे हो तुम्हारा। दो तरह के लोग होते हैं, तुम ना अखंड सिंगल में आ रहे हो। तुम सिंगल, अखंड सिंगल में चल रहे हो। जो तुम ढूंढ रहे हो ना बेटा, वो मिलने नहीं वाला है। यहां रेड पड़ी है और ये घर है, होटल नहीं। तुम ढूंढ रहे हो, मिलने नहीं वाला है। सुनो, ध्यान से सुनो। बाहर आकर के देखा, पर्दे के नीचे चप्पल रखी हुई थी। फिर वो ढूंढ रहा, अबे रेल चालू है। जैसी देखा भाई साहब, वहां से कुछ और गोल्ड बिस्किट्स निकले। वंश सब जमा किया। ए, क्या है, क्या कर रहे हैं सब? सर आपके घर पे रेड पड़ी है। अच्छा, मेरे घर पे? मालूम है कौन हूं? सर वो आप कोई भी हो, हमको आपसे टैक्स सेल करना पड़ेगा, ये सब टैक्स चोरी का है। अच्छा, पहले ये तो बताओ तुम्हें टैक्स लेने का पावर आया कहां से? कमाई मेरी, बिजनेस मेरा, कैपिटल मेरा, रिस्क मेरा, और टैक्स किसको चाहिए तुमको? रिस्क मेरा, बिजनेस मेरा, सब कुछ चाहिए तुमको, पावर आया कहां से? पावर तो ढूंढना पड़ेगा कि ये पावर आया कहां से है। तो चलिए, इनकम टैक्स और जितने भी एक्ट है ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। इंडिया का कोई भी एक्ट, उसका बेस लॉ कहां है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। बेस लॉ कहां है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। इसका आर्टिकल नंबर 265, इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 265 हमें सबसे पहला पावर देता है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ढूंढने निकलते हैं इनकम टैक्स की, बराबर है? मेरे साथ आइए, रजिस्टर में हेडिंग दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. प्लीज मेरे पास एक बात, सभी लोग बोलिए, हम क्या कर रहे हैं? हम ये हमने चार वर्ड पढ़ने हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब तक मैं पहले वर्ड पे हूं, एक्ट. एक्ट कैसे है, एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना है, एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है. अभी तीन वर्ड और बाकी है, अभी हम एक्ट पे घूम रहे. चलो जल्दी से बताइए, एक्ट, एक्ट आया है मतलब कहीं तो इसका कुछ लिखा होगा. कहां लिखा होगा? कोई भी एक्ट बनाया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा. हम कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265. प्लीज एक बार मेरे साथ सभी रीड कीजिए, नो टैक्स. एक मिनट, टैक्सेस लिखा है, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. राइट, अब एक सांस में बोलिए, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, जब तक कोई अथॉरिटी ना हो और वो अथॉरिटी कोई लॉ पास ना कर दे. यानी सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? भारत के देश के प्रधानमंत्री रात में 8 बजे आते हैं, भाई और बहनों आज से मैं कोविड टैक्स लगाता हूं. मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत की प्रगति के लिए. स्टॉप. प्रधानमंत्री जी चाहें रात 8 बजे नोटबंदी हो सकती है, लेकिन लॉ नहीं ला सकते. पूछो क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है लॉ लाने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए और अथॉरिटी वो लॉ पास करे. यानी सिर्फ रात में आके नोटबंदी हो सकती है, एक्ट नहीं बनता. पहले एक्ट बनाने के लिए क्या होना जरूरी है? लॉ, कोई अथॉरिटी जो उस लॉ को पास करे. समझ आ रही है बात? सो सबसे पहली चीज, लेवी मतलब क्या करना? लेवी का मतलब है इंपोज करना, लगाना. क्या करना बेटा? लगाना. कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब क्या है? कलेक्शन, प्यार से दिया तो कलेक्शन, नहीं तो रिकवरी. प्यार से दे दिया कलेक्शन, नहीं दिया सरकार क्या रेड मार के भी रिकवर कर सकती है? तो बताइए, वंश के घर पे रेड पड़ी, क्या इसकी वैलिडिटी आ रही है क्या कहीं से? हाँ, प्यार से दिया तो क्या है मेरा बच्चा? कलेक्शन. नहीं दिया तो रेड. समझ आ रही है बात? अच्छा, सो नो टैक्सेस, नो टैक्सेस, 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 नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी. अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी. और तोड़ते, और डीप में चलते, साला अथॉरिटी मतलब कौन होता है? पूछो ना, पूछो ना, कौन अथॉरिटी मतलब कौन होता है? आखिर वो कौन है जो लॉ पास करेगा? आखिर वो कौन है जो लॉ पास करेगा? देख मेरे भाई, हमारे पास दो मेजर अथॉरिटी है. पहला है पार्लियामेंट. पहला कौन है? पार्लियामेंट. आर्टिकल नंबर 245. आर्टिकल नंबर 245 कहता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी, पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी हु विल पास द लॉ. समझ आ रही बात? इसीलिए अगर आप देखेंगे, जब भी आपने ये पढ़ा ना, जब भी आपने ये पढ़ा कि भैया एक्ट कहां पास होता है, आपने क्या कहा? पार्लियामेंट. लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा, तुम बोलोगे भाई फुल रिस्पेक्ट. आपने बचपन से क्या पढ़ा? पार्लियामेंट पासिस द लॉ. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आपने बचपन से पढ़ा पार्लियामेंट पासिस द लॉ. मैं आप सभी जवान लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है?
क्या पार्लियामेंट साल भर सेशन में होता है? नहीं। अब मेरे दोस्त मेरे को एक बात बता, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है और तुरंत देश में लॉ की जरूरत पड़ी तो हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोविड, हो सकता है इंडिया पे अटैक हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है कोई अलग आउटब्रेक आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए जिसके लिए एक नया एक्ट लगे तुरंत। अब पार्लियामेंट तो सेशन में है ही नहीं, तो क्या कोई लॉ नहीं बन पाएगा? कुछ तो होना चाहिए कि नहीं। आज सुनो, अगर पार्लियामेंट सेशन में है द लॉ विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, पर हमारे श्री डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी इतने महान थे, उन्होंने ये सारी चीजें पहले ही सोच रखी थी कि पार्लियामेंट अगर कभी सेशन में ना हो तो भी लॉ बनाया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने डाला कि भैया प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, देख रहे हो क्या महान व्यक्ति था, क्या महान व्यक्ति थे। उन्होंने क्लियर कट दिमाग लगा करके पहले ही बोल दिया, सपोज कोई भी लॉ बनाना है, क्योंकि कोई भी अगर लॉ बनाना है, कोई भी लॉ अगर बनाना है तो क्या चाहिए बेटा? अथॉरिटी चाहिए। ये अथॉरिटी कौन होगी? क्योंकि जब तक लॉ नहीं हो तब तक के आप कोई भी चीज ना लगा सकते हो ना कलेक्ट कर सकते हो, स्पेशली टैक्सेस। तो उन्होंने बोला अथॉरिटी मतलब कौन होगी, उन्होंने आर्टिकल 245 लिखा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट विल बी द अथॉरिटी, पार्लियामेंट विल बी द अथॉरिटी। तो कोई भी लॉ पास करना है पार्लियामेंट उस लॉ को पास करेगा, इसलिए जब भी कोई नया एक्ट बनता है वो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है। अब आया ध्यान में? आया ध्यान में की दुकान में? लेकिन पार्लियामेंट साल भर सेशन में रहता है क्या मेरा बच्चा? नहीं। तो फिर प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट जी क्या लेके आ सकते हैं? ऑर्डिनेंस। साल 2019, साल 2020 जब इंडिया कोविड से गुजर रहा था, पार्लियामेंट में लोग आ नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, तब भी लॉ बने और वो प्रेसिडेंट जी के साइन के साथ बने। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो लॉ ही नहीं बनेंगे, लॉ बन सकते हैं। किसके थ्रू बनेंगे बोलो मेरे बच्चा? प्रेसिडेंट। सो नो टैक्सेस, एवरीबॉडी रिपीट विद मी, नो टैक्सेस कैन बी लेवी, लेवी मतलब लगाना, और इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब लेवी और इम्पोज, और कलेक्टेड, प्यार से मान गया तो कलेक्शन, नहीं माना तो रिकवरी। क्लियर है बेटे? नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक कोई अथॉरिटी ना हो। अथॉरिटी मतलब दो, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, यस और नो? लॉ, there must be law before implementation of any tax। किसी law का होना जरूरी है, रातों रात नहीं हो सकता। नोटबंदी हो सकती थी, act रातों रात नहीं बनते, पहले law बनाना पड़ता है, law pass करना पड़ता है। Is this done? चलिए, no taxes can be levied or collected except by authority of law. So you need an act before you apply tax. ओहो हो हो, यहां तो taxes की बात हो गई, लेकिन मेरे बच्चे को tax समझता है क्या? नहीं, अपन तो average बच्चे है। अपन घुसे ये समझने के लिए कि टैक्स मतलब क्या होता है। हमें चार वर्ड पढ़ने थे, इनकम टैक्स एक्ट। हमने एक्ट खत्म कर दिया, हम वहां से कहां जा रहे हैं? टैक्स। हम दूसरे वर्ड में एंटर कर रहे हैं, टैक्स मतलब क्या होता है। देखिए कहां से निकले, चार वर्ड पढ़ने थे, इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट खोद दिया, एक्ट क्या होता है, एक्ट में सेक्शन होते हैं, नोटिफिकेशन होता है, एक्ट के पहले क्या पढ़ना पड़ता है, एक्ट के साथ कैसे वर्क करता, सब खोद दिया। अब हम जा रहे हैं एक्ट से दूसरे वर्ड पे, टैक्स। यस, टैक्स। देखो मैं तो क्या कहता हूं दोस्तों, मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूं टैक्स और ड्यूटी दोनों सेम चीज है, से यस, दोनों सेम चीज है, से यस नो, बताइए डिफरेंस। जो मन में आ रहा, सही गलत,
जो मन में आ रहा, टैक्स और ड्यूटी दोनों सेम चीज है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। डिफरेंस बताओ। ड्यूटीज आर इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक पे थोड़ा नहीं 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 नहीं, अगर सर्विसेज पे भी ड्यूटी होती तो जीएसटी के जगह जीएसडी होना चाहिए था ना। चलिए पहली चीज समझिए, व्हाट इज अ डिफरेंस। देखो क्योंकि तुमने क्या पढ़ा है, कई जगह पे आपने टैक्स पढ़ा है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, आपने ये टैक्स पढ़ा है, तो दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। द ड्यूटी इज ऑन गुड्स, ड्यूटी इज ऑन, बोलो ना बेटा, गुड्स। जैसे कि आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगता है बेटा, कस्टम ड्यूटी। ऑन द थिंग्स अदर देन गुड्स, तो आपको नहीं लगता ये डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। मतलब टैक्सेस का जो वर्ड है, अगर वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज भी है तो इस पे क्या लगने का वर्ड, टैक्सेस रादर देन द वर्ड ड्यूटी। सो ड्यूटी इज अ वेरी नैरो थिंग, वेयर एज टैक्स इज अ वेरी ब्रॉड थिंग, इसमें बहुत कुछ आता है। यस और नो, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अच्छा जी सर, अच्छा जी सर, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। पर सर क्या हम टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं, क्या हम टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं? टैक्स के कितने टाइप होते हैं सर? दो, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो टैक्स के दो प्रकार है, पहला है बेटा डायरेक्ट, दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पर्सनल टैक्स, दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम अनादर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट। कलेक्टेड फ्रॉम अनादर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट। देखिएगा डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो मुझे खुद को भरना पड़ता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक थिंग, आपने क्लास की एक फीस देगी, सपोज कर लीजिए 8000 रुपीज, लेकिन आपने क्लास में सिर्फ 8000 भरा या 8000 प्लस जीएसटी भरा? प्लस जीएसटी, मतलब ये 8000 जो हुआ ये मेरा ग्रॉस रिसीट हुआ, इसके ऊपर मैंने कुछ एडिशनल अमाउंट आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया, दैट्स इनडायरेक्ट टैक्स। ये 8000 के ऊपर जो मैंने कलेक्ट किया, दैट्स इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर आप एक यू नो मैकडी का बर्गर खाने जाते हैं, कहते तो 50 रुपए, लेकिन डू यू पे 50 रुपीज और यू पे 79 रुपीज, 79, तो 50 के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा दे रहे, दैट्स जीएसटी, कलेक्टेड फ्रॉम अनादर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट, दैट्स एन इम्पर्सनल टैक्स। अब देखिए मैंने आपसे 8000 प्लस जीएसटी लिया, तो प्लस जीएसटी मैं लूंगा और गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा आपके बिहाफ पे। ये जो 8000 है, 8000 में से मेरी भी कॉस्ट लगी होगी, इसमें से मेरी कॉस्ट माइनस करके जो नेट इनकम, सपोज रेंट, बुक्स एटसेट्रा सब माइनस करने के बाद 6000 के बाद 2000 रुपीज मेरे पास नेट बच रहा है। ये 8000 में से 6000 की कॉस्ट माइनस करने के बाद जो 2000 नेट बच रहा है, दैट इज माय इनकम। ये इनकम पे मुझे क्या देना है, इनकम टैक्स। समझ में आ रही बात? सो वापस से कम अगेन, 8000 प्लस जीएसटी आपने कलेक्ट किया, ये जो जीएसटी है ये कलेक्ट कर रहा हूं और गवर्नमेंट को दे रहा हूं, दैट्स अ इम्पर्सनल टैक्स। ये जो 8000 है इसमें से कॉस्ट माइनस करके जो बैलेंस बचेगा ये मेरे लिए क्या होगा, इनकम टैक्स। समझ में आ रही बात? सो दो अलग अलग चीजें, डायरेक्ट टैक्स इज हैंडल्ड बाय सीबीडीटी, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज हैंडल्ड बाय सीबीआईसी। आपको नहीं लगता दोनों भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पार्ट था?
एक समय में कभी दो भाई एक हुआ करते थे और बाद में दो भाई अलग अलग हो गए, हाँ या ना? ये दो एक जिसमें दो जान हुआ करती थी। डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, आइए साहब डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, मजा आ जाएगा। एक तो आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, आपकी इनकम पे टैक्स, हेलो भाई साहब इनकम पे टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम पे टैक्स की बात कर रहे हैं, ग्रॉस रिसीट पे नहीं। आप समझे मेरी बात को? मैंने 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, 80 इज माय कॉस्ट, सो इनकम कितनी हुई? 20। द टैक्स इज ऑन इनकम एंड नॉट 100। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, इनकम पे टैक्स है, ग्रॉस रिसीट पे नहीं, बराबर है? तो डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल था इनकम टैक्स। दूसरा एग्जाम्पल था वेल्थ टैक्स। सर आपने था बोला, था क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? अबॉलिश। भारत में क्या आपको पता है, एक टाइम ऐसा भी था जब टैक्स था 97%। कितना? There was 97, मतलब 100 रुपए कमाया तो 97 गवर्नमेंट को देना है। आदमी बोलता था क्या 100 कमाया उसमें से 97 गवर्नमेंट को देना है, इससे अच्छा नहीं कमाता। वो चिल्लाती रहती है तुम टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। कोई तो खुश होता। वेल्थ टैक्स इतना ड्रेकोनियन टैक्स था, मैं ड्रेकोनियन बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है, आप इनकम कमाई इनकम टैक्स दिए, अब इस इनकम से आपने वेल्थ कमाई मात्र 20 लाख रुपीज। कितना दोस्त? 20 लाख से ऊपर का आपने अगर वेल्थ क्रिएट कर दिया, आपने प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, कार क्रिएट कर दी एटसेट्रा, उस पर फिर टैक्स देना पड़ता था वेल्थ टैक्स। मतलब जिस पे आपने इनकम टैक्स दिया उस पे आप फिर से टैक्स देते थे, कौन सा? वेल्थ टैक्स। और इतने में खत्म नहीं होता, मरने पे भी टैक्स था। शौक लगा? आ जा बताता हूं, सुन। मरने पे भी टैक्स था, एस्टेट ड्यूटी। आपके दादाजी को पूछिएगा, उनने ये चीज जरूर देखी होगी, इसे भी अबॉलिश कर दिया गया, एस्टेट ड्यूटी। मरने पे भी टैक्स था। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, चाहते हो एक्सप्लेन करूं? चाय पिलाओगे? चाय पिलाओगे? नहीं, देख भाई अपन चाय वाले को काफे नहीं, चाय मोहब्बत है। चाय क्या है बेटा? मोहब्बत है। और तुमको भी आदत हो जाएगी अभी इसको, आज पहला दिन है ना तुम्हारा, आदत हो जाएगी तुमको भी चाय से, समझ आ रही है बात? सो चाय पिलाओगे? हाँ या हाँ? हाँ। एस्टेट ड्यूटी क्या होती थी? देखो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने इनकम कमाई, वो इनकम पे क्या भरता था? इनकम टैक्स। इस इनकम से अपनी वेल्थ जोड़ी, वेल्थ मतलब बिल्डिंग बनाई, यॉट खरीदे, शिप खरीदे, ऐसा सब उसने वेल्थ बनाई, इस वेल्थ पे क्या लगता था? वेल्थ टैक्स। मरने के बाद वो जब व्यक्ति मर जाता था तो इनहेरिटेंस में उसके बच्चे को जाता था। बच्चा बेचारा रो रहा है, 1-1.5 महीने बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हेलो सर बच्चा सर, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप अच्छा करेंगे बिजनेस में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, मेरे को आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो क्या कहना चाहते हो? सर आपको एक्चुअली जो एस्टेट मिला है इनहेरिटेंस में उस पर आपको टैक्स देना है, एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट जो आपको इनहेरिटेंस में मिली इस पर आपको टैक्स देना है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना डेंजर, जीने के साथ भी मरने के बाद भी। LIC से डेंजर काम था आदमी का, जीते जी इनकम टैक्स दो, इसी इनकम से वेल्थ बनाई, वेल्थ टैक्स दो, ये खत्म हो गया, मरने के बाद बच्चों को दिया, वो बच्चे बेचारे क्या भर रहे? एस्टेट ड्यूटी। ये एक टैक्स ऐसा था जिसने इंडिया के अमीरों को गरीब बनाया। यस, एक टैक्स ऐसा था इंडिया के अमीरों को गरीब बनाया। क्यों? क्योंकि एक ही चीज पे 3-3 बार टैक्स हो रहा था, एंड एट वन पॉइंट इन टाइम 97% चल जा रहा था। मतलब आदमी ने 100 रुपए कमाया, 3 बीवी ले गई, 97 डिपार्टमेंट लेके गया, खुद के पास क्या बचा? ओ समझ में ही हो? ये तीन थे जिसमें से दो एबॉलिश कर दिए, एक गिफ्ट टैक्स भी हुआ करता था, राइट? अगर कोई बाबू की सोना ने जादू की टोना को क्या दिया बेटा? किडनी बेच के आईफोन दिया। यस,
तो इस पर भी टैक्स लगता था, एबॉलिश कर दिया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. आउट ऑफ क्या बेटा? लव एंड अफेक्शन, इसको भी हटा दिया गया. इसके भी कुछ एग्जांपल्स थे, एक्साइज था, कस्टम था, ऑक्ट्रॉय था, इसके बाद में आपका सर्विस टैक्स था, फिर आपकी वाट लगा दी जाती थी. इन सब को हटा करके सिर्फ दो चीजों को रखा गया, जीएसटी एंड कस्टम. तो ये सब हुआ करते थे, इन सब को हटाया. आज डीटी में बचा इनकम टैक्स, जीएसटी में बचा, बोलो ना, आईडीटी में बचा जीएसटी एंड कस्टम्स. समझ आ रही है बात? तुमको एक डिफरेंस समझ आ रहा है? फाउंडेशन में इतने में एक टॉपिक खत्म होता था, और अभी हम सिर्फ दो वर्ड पे घूम रहे हैं. कंटेंट समझ रहे हो? पर एक बात देखो, तुमको मजा बहुत आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड जो तुमने आज तक के सिर्फ धरती पे सुने थे, आज पहली बार इस पर डिस्कशन चालू है. ये सुनो. हाँ जी, तो हम कहाँ हैं? दूसरे वर्ड पे, टैक्स. टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है? टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार बेटा, बोल जल्दी से. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स क्या आप अपनी इनकम पे करते हो? यस, इनकम. मैं रिसीट की बात नहीं कर रहा, मैं किस बात कर रहा हूं? इनकम. मैं रिसीट की बात नहीं कर रहा दोस्त. और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस, कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट. ठीक है मालिक, ये सीबीडीटी हैंडल करता है, ये सीबीआईसी हैंडल करता है. लेकिन क्या सर, टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है? नहीं, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस. आई सेड सेस. शिव 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 शिव. हां जी सर, टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, ये जितना भी टैक्स है, कैन इट बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? एवरीबॉडी, क्या मेरे बच्चों को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी? यस. तो टैक्स की जब हम बात करते हैं, सर ये कहां से मिला था? आर्टिकल 265 से एक वर्ड मिला था टैक्स. हम टैक्स को खुद में निकल गए. जब टैक्स को खुद में निकले तो पता चला डीटी और आईडीटी नाम के दो टैक्स होते हैं. तो हमने पूछा क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स ही होता है? ना मुन्ना ना, टैक्स में क्या होता है? टैक्स. टैक्स के, टैक्स में कितने वर्ड होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ये जितना भी पैसा कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का, दीज फॉर्म पार्ट ऑफ सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये सारा किसका पार्ट बनता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये पूरा पैसा एक जगह लाती है, जितना डीटी से कलेक्ट हुआ, जितना आईडीटी से कलेक्ट हुआ. तो एक अकाउंट टाइप आप इसे समझे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. भारत का जितना पैसा रेवेन्यू से कलेक्ट किया जाता है, ये सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक जगह रखती है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सर ये जो टैक्स कलेक्ट होता है, ये आखिर जाता किसके पास है? नहीं सर, मैं पहली बार डीटी पढ़ रहा हूं, बेसिक से पढ़े ना तो मजा आएगा. ये टैक्स किसके पास जाता होगा? नरेंद्र मोदी भाई और बहनों. हाँ, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया. उनके पास जाता होगा? नहीं. आखिर टैक्स जाता कहां पे होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. फिर ये पैसा क्या किया जाता होगा? ये पैसा होता है डिवाइड. ये पैसा कैसा होता है? डिवाइड. कलेक्शन सेंटर लेवल पे होता है, मेरी बात समझिएगा. कलेक्शन कहां होता है? सेंटर लेवल पे होता है. और इसके बाद इसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में. कहां डिवाइड किया जाता है? अलग अलग स्टेट्स में. हर स्टेट को यह पैसा पहुंचाया जाता है ताकि वो स्टेट अपने हिसाब से इसे खर्चा कर सके. समझ में आई बात? यानी कलेक्शन हुआ सेंटर लेवल पे, सेंटर लेवल पे कलेक्शन होने के बाद इसे क्या किया जाता है? डिवाइड. इसे पूरा डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट में. सर ये कौन डिसाइड करेगा कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए? प्रेसिडेंट. कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट. कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, ये प्रेसिडेंट सर डिसाइड करते हैं. सो दिस इज
डिवाइडेड इन स्टेट्स एज पर प्रेसिडेंट्स ऑर्डर. सर हम कैसे मान ले ये? मानने की जरूरत ही क्या है? आर्टिकल नंबर 272 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. आइए दिखाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 270 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. पढ़िए क्या लिखा है. टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. समझ में आई बात? तो जितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, आप सबके सामने सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ओपन है, जितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो यूनियन और स्टेट के बीच में स्ट्रेट क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड. समझ आ रही है बात? डिवाइड कर दिया जाएगा. अब डिवाइड कौन से प्रोपोर्शन में होगा? ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट्स डिसाइड करेंगे. बड़े स्टेट्स को ज्यादा मिलता होगा, छोटे स्टेट्स को कम मिलता होगा, या जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट, ये उनका काम. समझ में आ रही बात? हाँ या ना? अच्छा जी सर, तो टैक्सेस में सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है क्या? नहीं, टैक्सेस में टैक्स कलेक्ट होता है. ये जो टैक्स है ये डिवाइड भी होता है. यस, टैक्स के साथ साथ एक और चीज आती है, सरचार्ज. एक और चीज आती है सरचार्ज. कभी सुना है इस वर्ड को कि पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो तो चलो और डीप में चलते हैं. सर सरचार्ज मतलब क्या होता है? एडिशनल लेवी. सरचार्ज मतलब क्या होता है? एडिशनल लेवी. देखिए हमेशा से एक पॉइंट समझिए, एक पॉइंट समझिए, ठीक है. एक आम लड़की और एक अमीर आदमी, इन दोनों के बीच का एक डिस्कशन समझिएगा, ठीक है. एक आम लड़की, नाम क्या बेटा तेरा? रिद्धि. रिद्धि आम लड़की, ठीक है. रिद्धि आम लड़की पहली बार सीए बनने के बाद इसने अपनी सैलरी कमाई 50,000 रुपए. सोच के देखिएगा क्या डिस्कशंस होते होंगे, तो आपको लॉ समझ आएगा. लॉ आप बनाओगे, ठीक है. रिद्धि ने पहला टाइम, पहली बार रिद्धि ने 50,000 का सैलरी कमाया, ठीक है. एज अगेंस्ट दिस विजय माल्या या विजय सालडा भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है. गरीब आदमी, उससे भी कम, ठीक है. क्या तुम्हारे हिसाब से क्या इनकम हो सकता है मेरा? हाँ, बड़ी नीले देख के आए हो हैं. सपोज एज अगेंस्ट दिस लेट्स से मिस्टर अडानी, ठीक है. एज अगेंस्ट दिस लेट्स से मिस्टर अडानी. तो एक रिद्धि अपनी और एक है अडानी, ठीक है. अभी इनकम कमाई, इनकम कमाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दोनों में कोई फर्क कर रहा है क्या? लॉजिकली नहीं, टैक्सेस तो दोनों से लेगा वो, राइट. लेकिन आपके आपको नहीं लगता रिद्धि वहां पे क्या बोलेगी? आप सोच के देखिए, राइट. रिद्धि से जब टैक्स कलेक्ट होगा, रिद्धि क्या बोलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को? आपको मुझसे क्यों टैक्स कलेक्ट करना है? आई मीन भाया प्लीज, अब मुझे ये इतना अमीर आदमी इससे लो ना, आपको मुझसे क्यों टैक्स लेना है? नहीं नहीं मैडम, देखिए कैसा है, हम उनसे भी लेंगे लेकिन आपको भी टैक्स देना पड़ेगा. ऐसा करोगे भाया? मैं तो आपके डेली कस्टमर हूं ना. अरे मैडम टैक्स एनुअली होता है, डेली नहीं. राइट मैडम, देखिए आपको टैक्स देना पड़ेगा. अच्छा देखो, इनसे एटलीस्ट ज्यादा लो, मुझे भी देना है. आई एम अ लॉ अबाइडिंग वुमेन, आई एम अ टैक्स वुमेन, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर इनसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, आप मुझे बताइए. होना चाहिए ना भाया? हाँ या ना? कोई भी एक आम आदमी मेरे जैसा, आपके जैसा, एक मिडलमैन क्या बोलेगा? भाई जो अमीर है उससे ज्यादा लो ना, उनसे लो ना, हमसे क्यों लिए जा रहे हो? यही कॉन्सेप्ट पे क्या लेकर के आए? सरचार्ज. याद होगा तो मोदी जी के एक स्पीच में भी कहीं ये डिस्कस हुआ था, मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा. तब तक बहुत सारे अमीरों को समझा ही नहीं कि उनके साथ होने क्या वाला है. उनको बाद में समझ में आया. समझ में आई बात? तो ये सरचार्ज मतलब क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है, सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल लेवी. कुछ लोग जो एक लिमिट के ऊपर कमा रहे हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट की जाती है, इन द नेम ऑफ सरचार्ज, एडिशनल टैक्स. सो व्हाट इज सरचार्ज मेरा बच्चा? सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स. इसे हम एडिशनल टैक्स भी कहते हैं. इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स एप्लीकेबल इफ इनकम एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट. इफ इनकम एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट,
इट इज कलेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स. ए मेरे दोस्त, टैक्स का एक परसेंटेज सरचार्ज होता है, इनकम का नहीं. मतलब पहले हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स का एक परसेंटेज क्या रहेगा? सरचार्ज. कैसे निकलता, क्या निकलता, आज की बात नहीं. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिक है, वर्ड्स की मीनिंग समझ रहे सिर्फ, क्या होता है कैसे होता है. बहुत टाइम है सर. लगाने का पावर कहां से आया? आर्टिकल नंबर 271 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल नंबर 271, एक बात देख रहे हो, करीब दो घंटे से हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं. दैट इज द ब्यूटी. इधर आओ, पढ़ो 271 क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का. सरचार्ज ऑन सर्टन ड्यूटीज एंड टैक्सेस. रुको, रुक 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 रुक, आगे नहीं पढ़ना लाला ना, अरे बच्चा आगे नहीं पढ़ते, सुन. जो टैक्स कलेक्ट हुआ था ये सेंटर और स्टेट में डिवाइड हुआ था, आर्टिकल नंबर 270. सरचार्ज सिर्फ सेंटर रखता है, स्टेट में डिवाइड नहीं करता. और यही तो गजब का सोच बताने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना. मोदी जी 2014 में जब से पावर में आए, उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, सरचार्ज बढ़ाया, ताकि पैसा किसके हाथ में रहे? सेंटर. मैंने ये नहीं बोला उनके हाथ में, मैंने बोला पैसा किसके हाथ में रहे? सेंटर. मोदी जी जब से पावर में आए, उन्होंने कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाया, सरचार्ज बढ़ा दिया. सरचार्ज कितने समय परसेंट पे चल रहा है मालूम है? 37%. टैक्स का 37, मतलब आप समझे नहीं, कैलकुलेटर लाए हो? निकालो जरा, निकालो निकालो, वो यंत्र बाहर निकालो, जंग लग गया था दो महीने से उस पर. बराबर, ऐसा उसकी पूजा आरती भक्ति ऐसे चालू करो. बराबर, हाँ. 30% इज द टैक्स, सो लिखो 30 प्लस 37%. 30 प्लस 37% ये टैक्स है, ये टैक्स का रेट बनता है एज ऑफ नाउ. यानी अगर कोई व्यक्ति एज ऑफ नाउ 5 करोड़ से ज्यादा का अर्निंग कर रहा होगा, लेट से अभिषेक झावरे सर 5 करोड़ के ऊपर का अर्निंग होगा आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से. तो 5 करोड़ के ऊपर अभिषेक सर अभी टैक्स कितना दे रहे होंगे? 41. इतने में खत्म नहीं होता, तीसरा वर्ड बाकी है सेस, तीसरा वर्ड बाकी है विशेष. 41%, मतलब 100 रुपए कमा रहा है आदमी, 41 रुपीज सरकार को दे रहा है. आप सोच के देखिए क्या मोटिवेशन बचेगा. फिर आदमी टैक्स चोरी, प्लानिंग, चोरी नहीं करते हम, प्लान. व्हाट वी डू इज प्लानिंग. अब आदमी फिर टैक्स प्लानिंग ही करेगा और क्या करेगा. 100 रुपए कमा रहा है, 41 रुपीज बिजनेस उसका, रिस्क उसका, कैपिटल उसका, फिर भी 41 किसको देना है? गवर्नमेंट. Don't you think so? Government is an indirect partner without a partnership deed? Yeah. Government is an indirect partner without a partnership deed. ना admission का ratio, ना removal का खतरा. यहाँ पे A, B, C, जो C हमेशा मर जाता था. याद आ रहा है क्या? नहीं, वो situation ही खत्म है भाई साहब, perpetual के साथ आ रहा है. So, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये दो बार MCQ में पूछा है. क्या सरचार्ज स्टेट्स में डिवाइड होता है? नहीं. क्यों डिवाइड नहीं होता? आर्टिकल बेटा कॉन्स्टिट्यूशन वापस पढ़, अब पूरा वापस पढ़ क्या लिखा है. सरचार्ज इज लेविड ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ. स्टेट नहीं लिखा वहां पे, ऊपर देखो सेंटर और स्टेट दोनों था, लेकिन सरचार्ज सिर्फ किसके पास है? यूनियन. आज जाना अपने दोस्त को पूछना, बेटा टैक्सेस कहाँ है, डिवाइड होंगे? वो बोलेंगे हाँ. बोलना सरचार्ज, कुछ समझ नहीं आएगा उसको. फिर उसको बोलना कोई बात नहीं बेटा, तुझसे ना हो पाएगा. केप्ड ओनली बाय, बोल मेरा बच्चा, यूनियन एंड इज अ पार्ट ऑफ CFI. पैसा ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है, लेकिन रखता कौन है इसको? यूनियन. कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक क्लॉज पढ़े जा रहे हैं हम. इनकम टैक्स तो शुरू करेंगे,
पहले ये तो समझ ले कि वंश के घर पे जो रेड हुई थी उसके पावर कहां से चल रहे हैं। अभी हम वंश के घर पे रेड मारने के लिए आएंगे वापस लौट के। हा जी, इसके बाद आता है सेस, CESS। इसे क्या कहा जाता है? सेस। सर, सेस इज अगेन एन एडिशनल लेवी। सेस इज अगेन एन एडिशनल लेवी, और ये लेवी की जाती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये लेवी की जाती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सर, स्पेसिफिक पर्पस मतलब सरकार को कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए सरकार क्या कलेक्ट करती है? टैक्स। जैसे करंटली एक HEC कलेक्ट किया जा रहा है कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरकार को ये दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए पैसा चाहिए था। चलिए सुनिए, आपने कुछ चीजें सुनी है जिसका मीनिंग आपको आज समझ आएगा। पहला मिड डे मील स्कीम, सुना है नहीं सुना है? सर्व शिक्षा अभियान, ये सुनो। उसके लिए सरकार पैसा कहां से ला रही है? सेस। समझ आ रही है बात? कहां से पैसा आ रहा है? सेस। आप सोचिए, कोविड के अंदर में आप लोगों को वैक्सीनेशन फ्री मिले, ये सुनो। ऑब्वियसली आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वैक्सीनेशन तो सरकार की तरफ से इतने लोगों को फ्री में लगा, ये वैक्सीनेशन का पैसा आया कहां से? सेस। इतने सालों से जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट किया जाता, सरकार यू नो स्लम्स एरिया के अंदर में सैनिटरी पैड्स बांटती है, पैसा तो लेकिन लगता है ना इसको बनाने का, सरकार ये पैसा कहां से दे रही है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से। समझ में आ रही बात? माल न्यूट्रिशन चाइल्ड्स के लिए दुनिया भर की स्कीम चला रखी है, इन स्कीम के तहत जो पैसा जाता है वो कहां से आ रहा है? सेस। तो टैक्स से आपके बाकी के रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट एक्सेट्रा बनते हैं। हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए सरकार को, वो कहां से निकाल रही है? सेस। याद रखिए, ये जो पैसा है कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। This can be used for specific purpose only. ये पैसा किस चीज के लिए यूज हो सकता है, बोल मेरा बच्चा? Specific purpose only. हाँ या ना? Yes. चलो बेटा आ जाओ। सर, वापस से चलते हैं आर्टिकल नंबर 265। एवरीवन प्लीज आर्टिकल 265 पे आइए, पलटो पेज, आर्टिकल 265 पे आओ। हमने कितने आर्टिकल पढ़े अब तक, आपने बता सकते हैं? आर्टिकल 265, 270, 271, 245, 123। चलिए रिकॉल करवाता हूं, फटाफट रिकॉल करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 265 में गए थे। एक मिनट, हम यहां से गए कहां से थे? स्टोरी अभी बाकी है, याद होगा तो हम वंश के घर पे रेड मार रहे थे। वंश ने, स्टोरी बाकी है, पूरी स्टोरी को छोड़ना नहीं है। वंश के घर पे रेड मार रहे थे, वंश आया, पता भी है ना कौन हूं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ पता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। वंश, पावर कहां से आया तुम्हारे पास? पावर से ढूंढने निकले, आर्टिकल मिला। हेलो, पावर से ढूंढने मिले दोस्त, क्या मिला? आर्टिकल। आर्टिकल को ढूंढने निकले, भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, आर्टिकल को ढूंढने निकले, आर्टिकल 265 मिला। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। याद आ रहा है क्या? मतलब कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, एक अथॉरिटी चाहिए और एक लॉ चाहिए। यह लॉ कोई अथॉरिटी पास करेगी, यह अथॉरिटी कौन होगी? या तो पार्लियामेंट, आर्टिकल 245। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। आओ, यस, यहां से हम आगे निकले। क्या टैक्सेस में सिर्फ टैक्स होता है? नहीं, टैक्स में टैक्स प्लस ड्यूटीज दोनों भी हो सकती है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का फर्क समझा, फिर समझा। टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं होता, टैक्स, सरचार्ज, सेस, तीनों चीजों मिला के आपका एक टैक्स बनता है। सर सुनिए ना, सेस कितना परसेंट है? 4% ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। 4% ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो अब आपके पास कैलकुलेटर है, फिर से उठाओ, बताओ, दर्शन सर या अभिषेक सर ऐसे अमीर लोग कितना टैक्स भरते होंगे? सबसे पहले 30,
पांच करोड़ के ऊपर की इनकम इनकी होगी बड़े आराम से, प्लस 37%, प्लस 4%, 42.744, 30 + 37 + 4 नहीं करना, 30 + 37%, सरचार्ज इज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड सेस इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ टैक्स, तो 30 + 37% + 4%, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये लोग अगर 100 रुपए कमाते होंगे तो 42.744 रुपीज किसको जाते हैं, गवर्नमेंट, और ये सिर्फ डीटी है। ओ हेलो जागो ग्राहक जागो, ये सिर्फ डीटी है, आईडीटी अलग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दो पार्ट बने हैं, डीटी आईडीटी, ये सिर्फ डीटी है, समझ आ रहा है बात मालिक, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ तो चलो और डीप चलते हैं सर, और भी कुछ बाकी? हाँ, अभी तक वंश का जवाब नहीं मिला, पावर कहां से आया है? ये तो हम ये ढूंढ रहे थे कि पावर है क्या, तो पावर है क्योंकि एक्ट बन चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये पावर जो है, ये पावर कलेक्ट करने का आया कहां से? लास्ट आर्टिकल, कसम से फिर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म पक्का, आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7, आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7, बेटे आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7। अब ये क्या है, देखिए पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बराबर है, लेकिन ये पावर्स को डिवाइड करना बहुत जरूरी था। आज जो हम कह रहे हैं कि टैक्सेस यूनियन कलेक्ट कर रहा है और बाद में डिवाइड कर रहा है, तो ये पावर कहीं लिखे थे क्या? जी हां, पावर कहीं लिखे थे। आर्टिकल 246 ने मेनली गवर्नमेंट के पावर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, कुछ पावर किसके पास गए, सेंटर, कुछ पावर गए स्टेट, और कुछ पावर दोनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया मेरे दोस्त, तो उसको इतने ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया कि उन्होंने पूरा पावर कभी एक आदमी के हाथ में दिया ही नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ पावर सेंटर के हाथ में दे देते तो क्या हो जाता, केजीएफ। अगर पावर सिर्फ स्टेट के हाथ में दे देते तो इंडिया कभी एक रह ही नहीं पाता, समझ आ रही है बात? कुछ पावर सेंटर को दिए, कुछ पावर स्टेट को दिए, और कुछ पावर बोले दोनों मिलकर काम करोगे तो होगा। सेंटर में जो पावर मिले इसको कहा गया एंट्री नंबर 82। एक लिस्ट बनाई गई, इस लिस्ट के एंट्री नंबर 82 पे लिखा गया टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। आर्टिकल 246 ने टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर सेंटर को दे दिया, तो आप जो टैक्स पे कर रहे हैं टेक्निकली जो आगे चल के क्या होने वाला है, डिवाइड, वो कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर। भले ही स्टेट को पैसा मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट को टैक्स दे रहे हैं, आप सीधा इनकम टैक्स किसको देते हो, सेंटर। सेंटर के बाद जितना पैसा सीएफआई जितना पैसा सीएफआई में कलेक्ट हुआ, वो पैसा बाद में क्या किया जाता है, डिवाइड। कौन करता, आप में या प्रेसिडेंट सर, बराबर है, प्रेसिडेंट सर और मैडम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को? यस। सो एंट्री नंबर 82 क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन इनकम। अभी तक हमने इनकम वर्ड डिस्कस नहीं किया ना, ये बाकी है, अब तक हम दूसरे वर्ड पे है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर को नहीं है, क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स ही कलेक्ट नहीं होता? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा सेंटर के पास पावर नहीं है, तो फिर किसके पास पावर है, स्टेट। एंट्री नंबर 46 टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ये स्टेट डिसाइड करेगा कि उसके यहां जो उस स्टेट में जो खेती हो रही है उस पे
टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो वो कम्युनिकेट कर देते सेंटर को कि कलेक्ट करो। पर बहुत पहले ही एग्रीकल्चर पे टैक्स हटा दिया गया है वोट और अदर चीजों के रीजंस की वजह से। यस, बट वैसे भी फार्मर पे टैक्स लगना सही है ही नहीं, आपका मॉरल भी खुदा नहीं बोलेगा। यस और नो? सो एज ऑफ नाउ लगाना है या नहीं लगाना, ये पावर किसके हाथ में है? स्टेट। एज ऑफ नाउ कोई कलेक्ट नहीं कर रहा। यस और नो? इसीलिए जितना इनकम टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंटर कलेक्ट करता है। सेंटर कलेक्ट करने के बाद क्या ये डिवाइड हो जाता है? यस yes. मेरा बच्चा, क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता होगा या टैक्स सरचार्ज एंड सेस? टैक्स सरचार्ज एंड सेस। जो टैक्स कलेक्ट हुआ क्या ये डिवाइड होता होगा? जो सरचार्ज कलेक्ट हुआ वो सिर्फ सेंटर, और जो सेस है वो तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया है। जब तक वो पर्पस का काम नहीं आता, ना सेंटर हाथ लगाता ना स्टेट। समझ में आ रही है बात? लॉजिक क्लियर हुए सारे के सारे? तो भाई जी, अगर आज वंश से पूछा गया क्या पावर है तुम्हारे पास, क्या तुम्हें पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या जवाब देगा? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, जाकर के देखो, इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर है। टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर है। तो बताइए, इनकम टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर है, पहले मांगेंगे प्यार से, इसको कहा जाता है कलेक्शन। और ये वंश प्यार से दे नहीं रहा था, आया कि नहीं? वापस आर्टिकल 265। अब एक एक वर्ड टूट गया क्या, जरा समझिएगा, बोलो, एक एक वर्ड टूट गया। टैक्सेस ऑन, यस और नो? जल्दी से बताइए। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब किसी भी तरीके का टैक्स लगाना है तो पहले क्या होना चाहिए? लॉ। बताइए, देश के प्रधानमंत्री भी क्या रात में अचानक से लॉ ला सकते हैं? नहीं। अब ये लॉ लाना है तो कोई अथॉरिटी चाहिए। एवरीबॉडी, अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, इसके बाद में टैक्सेस, टैक्सेस में सिर्फ टैक्स कलेक्ट होगा या टैक्स सरचार्ज सेस? टैक्स सरचार्ज एंड सेस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पर सिर्फ टैक्स नहीं होता, टैक्स सरचार्ज एंड सेस होता है। टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा, इसका पावर कहां से आया? एंट्री नंबर 82, कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। मतलब कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? यूनियन के पास। क्लियर है? जो भी टैक्स कलेक्ट होगा क्या उसे डिवाइड किया जाएगा? यस, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप और मैं डिसाइड करेंगे, आप और मैं डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? जो सरचार्ज कलेक्ट किया जाएगा टैक्स के साथ वो डिवाइड होगा, बोलो हाँ नहीं? वो किसके पास रहेगा? यूनियन। और सेस को दोनों भी जन हाथ नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता नहीं। तो वंश के घर पे जो रेड मारी थी उसका आंसर मिल गया वंश को। हमें चार वर्ड पढ़ने थे भाई जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें से दो वर्ड को तोड़ताड़ करी हमने। पहले एक्ट, एक्ट क्या होता है, एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ना है, एक्ट में क्या पढ़ना है, सेक्शन, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। फिर दूसरा वर्ड खोदा, एक्ट, सॉरी टैक्स, टैक्स मतलब क्या होता, ड्यूटी मतलब क्या होता, कलेक्ट करने का पावर कहां से आया, टैक्स के साथ साथ क्या कलेक्ट करना, टैक्स के प्रकार कितने होते हैं, ये सब डिस्कशन हुआ। मैं तीसरे वर्ड पे जा रहा हूं, है 1961। वाह यार, पहले ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे, जरा इरशाद करना। हाँ, के एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे, मैंने खुद को बनाने में सदियां बिताई है, एक दिन में थोड़ी ना समझोगे मेरे को, है ना? सुनो तो बड़े आराम से, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरी एक बात समझना मालिक। आपको किसी दोस्त ने यहां पे भेजा है, मतलब उतने कॉन्फिडेंस के साथ भेजा होगा। पूरा डिटी पढ़ते वक्त भयानक पेशेंस की जरूरत है, इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दो वर्ड इन्वॉल्व है, पहला है इनकम और दूसरा है टैक्स, और ये साला दोनों इंटरेस्टिंग है। पहला अपने को चाहिए और दूसरा अपने को चोरना है। तो आपको इतने सवाल आएंगे, इतने सवाल आएंगे, इतनी टैक्स की प्लानिंग, सर ऐसा किया तो ये होता क्या, वैसा किया तो ये होता क्या। एक बात याद रखना, कुछ किया तो कुछ होता ही। आपको 50 सवाल आएंगे और आपके सारे सवाल सर आंखों पे, पर सिर्फ पेशेंस रखो। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ पेशेंस रखना। मेरे साथ एक ही चीज की जरूरत है, पेशेंस।
क्योंकि तुमको समझ में आएगा मैं 8 चैप्टर बाद भी तुमको पहला चैप्टर खुलवाता वापस। तो सिर्फ पेशेंस होगो, मैं इतनी बात की तुमको गारंटी देता हूं कि तुम्हारा नॉलेज मार्केट में सबसे ऊपर रहेगा, किसी भी सेक्शन को किधर से किधर भी कंपेयर कर लेना। और उसके साथ साथ एक फ्री गिफ्ट, इसको तोड़ना कैसे वो भी सिर्फ तुमको पता रहेगा। तोड़ना नहीं, प्लानिंग, प्लानिंग क्या करना है हमको, प्लानिंग। आप रोज घर में जाकर के ना ईमानदारी से तुम्हारे घर वाले मेरे नाम से परेशान हो जाएंगे, सच बता रहा हूं, तुम्हारे घर वाले मेरे नाम से परेशान हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के। तो बहुत सवाल आएंगे, आपके सब सवाल मेरी जिम्मेदारी, जितने हैं अजीबो गरीब सब मेरे। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, सीए फाइनल का बच्चा ने यह सवाल पूछा था अभी 2 दिन पहले। सवाल क्या था सुनो, मैं रेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था सीए फाइनल में, रेड पढ़ा रहा था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जितना आपको बताया ना और डीप था थोड़ा वहां पे। एक लड़क, अब रेड में कॉन्सेप्ट आता है, रेड सनराइज के बाद और सनसेट से पहले होता है, एक कॉन्सेप्ट है। आपने अजय देवगन साहब की रेड मूवी देखी होगी, तो सुबेरे सुबेरे वो लोग रेड मारने जाते, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोविजन, सही बताया है। एक लड़के ने मेरे से क्या सवाल पूछना, सर बोले अगर मान लीजिए बारिश हो रही है तब तो रेड मार ही नहीं पाएंगे। मैंने पूछा क्यों, बोले सर सन तो आता ही नहीं ना। मैंने बोला मारो मुझे मारो। मैंने कहा बेटा सन आता है, बादलों के पीछे होता है। तो आपके इतने ब्यूटी, अभी जैसे आप अभी आगे जाएंगे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर में एक सवाल, एक एग्रीकल्चर में एक पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम नर्सरी इज एन एग्रीकल्चर इनकम। अब आपने इसको बहुत कॉमन पार्लेंस में समझा होगा कि नर्सरी से आने वाला इनकम एग्रीकल्चर इनकम होता है। एक प्यारी खूबसूरत सी बच्ची मेरे को एक सवाल पूछती है, सर हाउ इनकम फ्रॉम नर्सरी कैन बी एग्रीकल्चर इनकम। मैंने बोला क्यों, बोले सर मतलब एलकेजी यूकेजी पढ़ाना कैसे एग्रीकल्चर इनकम हो सकता। तो इतने ब्यूटीफुल सवाल को भी हम प्यार से हैंडल करते हैं, और आपके ये जितने अंदर सवाल है ये सब मेरे हैं, बस सिर्फ होल्ड करके रखना। मैं आपको जब पूछूं, मैं आपको जब बोलूं, क्योंकि देखो हर लेक्चर के बाद मैं आपको खुद बोलूंगा बेटा आपके कोई सवाल है क्या, हर कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको खुद बोलूंगा बेटा आपके कोई सवाल है क्या। तो आपके जितने सवाल है सब मेरी जिम्मेदारी, सारी मेरी जिम्मेदारी, आपका हर एक डाउट, पर सिर्फ होल्ड करो। तुमको इतना कॉन्टेंट मिलेगा ना कि तुम खुद बिल्कुल ऐसा रोज उठ करके आएंगे साला आज क्या नया धमाल होने वाला है। होल्ड करो। अब बात आती है 1961 का लॉ, हम 2023 में पढ़ रहे, ऐसा क्यों? नहीं मतलब आप सोच के देखो, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा 1872, आपने कभी पूछा नहीं ये इतना पुराना लॉ आप आज क्यों पढ़ रहे। नहीं मतलब 2 साल पुरानी मैं शर्ट नहीं पहनता, 2 साल पुरानी मैं गाड़ी नहीं चलाता, 2 साल पुरानी है, खुद ही समझ जाते तुम लोग कितने समझदार बच्चे हो। तो 1961 का लॉ मैं 2023 में पढ़ रहा हूं, ऐसा क्यों बताओ ना, क्यों पूछो ना, क्यों? क्या एक्ट बदलता नहीं है, एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं। हाँ 1961 के लॉ से अब एक वर्ड जो भाई ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, चलो चलते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। भैया सब्जेक्ट ही ऐसा पढ़ने जा रहे हो जिसमें 6 महीने में बहुत कुछ बदलता है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट ही ऐसा पढ़ने जा रहे हो जहां पर बदलाव ही जीवन है, ये नहीं तो कोई और प्रोविजंस। अरे बदलती रहती है हमारे इसमें प्रोविजंस जो है, बदलती रहती है। ये अमेंडमेंट आते कहां से, मन में सवाल उठना चाहिए, आखिर अमेंडमेंट होते क्या है। अमेंडमेंट मीन्स, बोल बेटा, चेंजेस, चेंजेस इन, बोलना बेटा, एक्ट और रूल्स। अब आप ये पूछेंगे कि सर चेंजेस इन एक्ट और चेंजेस इन रूल्स, चेंजेस इन एक्ट और चेंजेस इन रूल्स, आखिर ये अमेंडमेंट आती कहां से है। अमेंडमेंट इज फ्रॉम बजट। अमेंडमेंट कहां से आती है, बजट। यस, अमेंडमेंट कहां से आती है, बजट। आपने अभी भी देखा होगा रिसेंटली 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमन जी बजट लेके आई, यस और नो? ये बजट में एग्जैक्टली आते क्या है, अमेंडमेंट्स। सर सर मुझे भी बजट देखना आज, तो मतलब इंटरेस्टिंग, आज पहली बार आपने वर्ड पढ़ाया बजट, मुझे भी देखना है, कहां मिलेगा, चाय पिलाओगे?
चलो तुम्हारे लिए फक्त तुमच्यासाठी देर इज अ वेबसाइट. द वेबसाइट इज कॉल्ड एज indianbudget.nic.in या indianbudget.gov.in. इस वेबसाइट पे आपको बजट मिलता है. जब भी बजट आता है बजट इस वेबसाइट पे प्लेस किया जाता है. यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरे इनकम टैक्स में कहीं पे भी बजट वर्ड लिखा हुआ नहीं है. दे यूज द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो इस तरह से बजट आता है और ये बजट के अंदर में फाइनेंस बिल आता है जो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमन जी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा. दैट वॉज फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल के अंदर में प्रपोज्ड चेंजेस होते हैं. क्या चेंजेस होते हैं? प्रपोज्ड. जैसे अगर आप देखेंगे तो मात्र 122 अमेंडमेंट किए हैं इस बार, 122 अमेंडमेंट. ये सिर्फ डीटी के, इनडायरेक्ट के यहां से चालू होंगे, इनडायरेक्ट के यहां से चालू होंगे. 122 अमेंडमेंट्स मेड. सर ये सब एक जन्म में पढ़ना है ना? ये अभी तुझे नहीं पढ़ना, ये अभी तुझे नहीं पढ़ना, टेंशन मत ले. मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं ये सब फाइनल का है. इसमें से जितना पोर्शन आपको है उतने रिलेवेंट अमेंडमेंट आपको आएंगे. तो ऐसा फाइनेंस बिल आता है जहां पे एक एक अमेंडमेंट कहां कहां सेक्शन में हुआ है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट रिमेन सेम, सिर्फ कुछ जगह पे क्या लेके आते हैं, अमेंडमेंट. समझ में आ रही बात? तो आप इंडियन बजट वेबसाइट पे जा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हो और कौन से सेक्शन में कहां कहां कैसे अमेंडमेंट आता है वो सारी चीजें आप देख सकते हो. यस और नो? फिर आप इस तरीके से ओपन करते हो तो वहां पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होता है, क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली अमेंडमेंट किस तरीके का आया है. तो ये पूरी चीज यहां पे मेंशन की होती है. यस, तो बजट और डीप में चलते हैं. मन में एक सवाल नहीं आएगा, बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर होता है? बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट? कहा सोच के आए थे? सालडा खुश होगा, शाबाशी देगा. चलो ट्राई तो करो, कौन से एक्ट से प्रिपेयर होता है? एज पर कोई तो कह दो ना, बेसिक आइडिया भी नहीं. चाय पिलाओगे? बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर FRBM एक्ट, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, लेटेस्ट अपडेटेड. सो FRBM एक्ट कहा जाता है, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रिपेयर किया जाता है. कई बच्चे कहते हैं फाइनेंस एक्ट, गलत. बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ये तुमको फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में भी था. तुमने नहीं पढ़ा और अब वो पास्ट हो गया, ठीक है? यस, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. क्या आपको पता है टाटा मोटर्स, TCS, इंफोसिस, महिंद्रा, ये चारों कंपनी अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये सवाल पूछ चुकी है, बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर्ड होता है? यू मस्ट नो एवरीथिंग. ये सुनो, अच्छा बजट किस दिन, बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. यानी प्रेसिडेंट आकर के असेंट देते हैं तब जाकर के वो प्रेजेंट किया जाता है. प्रेजेंटेड ऑन 1 फेब एवरी ईयर. इट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फेब एवरी ईयर. तारीख फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है. सुनते हो अजी? सुनते हो? सुनो ना. ओ बाबू मुशाय, सुनते हो? चलो तुम्हारे लिए कुछ पेश करता हूं. सर आपने फिर कॉन्स्टिट्यूशन खोल लिया?
यस, एक बार सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं ताकि तुमको पता रहे। यस, तो ये देखिए, ये जो है ना आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर तुम क्या करो, बजट प्रेजेंट करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से प्रेसिडेंट उनको बोलते हैं कि आप पूरे देश के सामने क्या प्रेजेंट करो, बजट। अच्छा जी, बजट के अंदर में अमेंडमेंट आता है। अगर आप बजट देखेंगे या बजट सुनेंगे ना, तो इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती है। मतलब सिर्फ डीटी पार्ट नहीं होता, पर्सनल टैक्स उसमें से एक सिर्फ एक पार्ट होता है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। खेती में क्या चल रहा है, डिफेंस को कितना पैसा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को कितना पैसा दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। बजट दो प्रकार के होते हैं। चलो निकलिए तो थोड़ा दूर तक जाते हैं। टाइप ऑफ बजट, बजट दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनल बजट और दूसरा इंटरिम बजट। बजट दो प्रकार के होते हैं। फाइनल बजट आपको एवरी ईयर देखने को मिलता है, हर साल फर्स्ट फरवरी को आपको बजट देखने को मिलेगा। हर साल फर्स्ट फरवरी को आपको बजट देखने को मिलेगा। यस, दूसरा होता है मेरे भाई इंटरिम बजट। दूसरा क्या होता है? इंटरिम बजट। ये आता है इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। जैसे आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा 2024 में। 2024 में दो बजट आएंगे। एक आएगा इंटरिम बजट, फरवरी 1 को आपका इंटरिम बजट लेके आएगी निर्मला सीतारमण जी। आप देखना ही है। यस, आई एम श्योर तब तक क्या फाइनल में पहुंच जाओगे, पहुंचोगे ना। 1 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा इंटरिम बजट। इसके बाद में इलेक्शंस होंगे जुलाई में, बराबर है, वापस से 5 साल के लिए। देखते हैं कौन सी सरकार आती है, खैर आपको तो पता ही है, बराबर। इसके बाद जैसे ही नई सरकार बनती है, नए सरकार में वापस से फाइनेंस मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, या तो सेम मिनिस्टर कंटिन्यू कर दे या दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, वो अपना फाइनल बजट पेश करता है। यानी क्या मैं कह सकता हूं ईयर ऑफ इलेक्शन में दो बजट आएंगे, कौन कौन से? इंटरिम प्लस फाइनल। तो इंटरिम बजट आपको सिर्फ और सिर्फ जनरली सिर्फ इन द ईयर ऑफ इलेक्शन ही देखने को मिलता है। यस और नो? दैट्स इट। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक सवाल जो मैंने सुबह आपको दिया था वो अभी भी बच गया, कौन सा? एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों? इस सवाल को आज दिल में रखिए। उम्मीद करता हूं आज बहुत मजा आया होगा आपको, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। बुक बंद कर दीजिए, कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, फटाफट सुन लेना, काम खत्म, ठीक है। यस, प्लीज उसको भेज दे सिस्टम लगाने के लिए। हाँ भेज दे उसको। मालिक ध्यान से सुनिए, आप सभी को आपने देख ही लिया होगा आपका कंटेंट कितना सा है। 3 घंटा पढ़ाया लेकिन वर्ड सिर्फ 2, टेक्निकली 2.5 पढ़ पाए। अभी भी बजट पे आधे घंटे का और डिस्कशन बाकी है, तो वो हम कल करेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल आप लोगों का बीकॉम का एग्जाम है। कितनों का है जरा हाथ उठा सकते हो एक बार, भाई साहब? और कुछ का आज करीब 100-150 लोगों का एग्जाम था जो आ ही नहीं पाए। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्लास तो कंडक्ट करवाना है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करके देख लूंगा, अगर सब अकेडमीज मानते होंगे तो हम कलेक्टिवली कल वर्क करते हैं ऑफ का। बट अगर ये नहीं हुआ तो लेक्चर लेना पड़ेगा, और ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा। पहले 10 लेक्चर पूरे यूट्यूब पे रहेंगे, और इसके नीचे आपको सेल्स एंड अदर चीजों के नंबर देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। इसी के नीचे टेलीग्राम चैनल है, प्लीज उसको सब ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ उसके अंदर में एज ऑफ नाउ अवेलेबल हो जाएंगे, हाल फिलहाल में नोट्स की जरूरत नहीं है। जो लोग कल नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द बीकॉम एग्जाम, क्योंकि कल लास्ट पेपर है, बराबर है, तो जो नहीं आ पाएंगे, एटलीस्ट लेक्चर अगर होता है तो प्लीज कल देख के आना। समझ में आ रही बात? कल जब भी हम आएंगे पहले पूरा रिवीजन होगा, और उसके बाद ही हम आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो कल के क्लास की डिटेल एंड ऑल हमारे सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे कि कैसा क्या है, एक बार सबसे डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, किसी को कोई डाउट होगा, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम, आप डिस्कस कर सकते हो। बचे हुए लोग हैव अ ब्रेक, और 11:15 को आपका लॉ चालू हो रहा है। दर्शन करें सर, बेस्ट है, मजा आएगा बहुत ज्यादा आपको लॉ। इसके बाद खाने का ब्रेक होगा, करीब 1:15 बजे आपका खाने का ब्रेक होगा। 2:15 के बाद आपका क्या चालू हो रहा है? अकाउंट्स, अभिषेक सर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, उसके बाद कॉस्टिंग, फिर जाके सो जाना, ठीक है। चलो
सो मिलते हैं आपसे कल, बाय बोलो बच्चों। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम, बाकी के जा सकते हैं भाई। यस जितने बच्चे ऑनलाइन हैं मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूं आपके, टेलीग्राम का लिंक अभी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सर बुक्स करीब करीब 7 दिन के अंदर में आपके बुक्स आ जाएंगे, जो ऑनलाइन बैठे हैं वर्चुअल्स में बैठे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में जो बैठे हैं वो इसी चैनल पे आएंगे। अच्छा अच्छा चालू कर, अच्छा अच्छा बिंदास सर, तो जैसे 100 रुपीज मेरे को मिले, लेट्स से ना तेरा फीस 8,000 रुपए, तेरा फीस 8,000 हुआ, ये हुआ मेरा ग्रॉस रिसीट, इसमें से मेरे बुक की कॉस्ट लगी होगी, यहाँ का रेंट लगा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 6,000 बचे, कितने 2,000 इज माई इनकम, इस पे टैक्स आता है। सर लॉन विच चैनल, एक एकत्वम के चैनल पे रहेगा, दूसरा दर्शन सर के चैनल पे भी रहेगा। आज भी लग रहा है एक्साइज, हाँ हाँ आज भी है। सर उसका मेंटेनेंस भी तो इंक्लूड होता है ना, सिर्फ रोड बना के थोड़ी ना, उसका मेंटेनेंस के लिए भी तो पैसा लगेगा ना। यस सारे क्लास के रिलेटेड सारा डिटेल उसके अंदर में रहेगा। नहीं ये चीज आपको जीएसटी के अंदर में समझेगा कि उसका कलेक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, जीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी यू नो एसजीएसटी ये सब आपको वहां समझेगा उसका कलेक्शन मैकेनिज्म। सेम बिल्कुल बिल्कुल, एडिशनल टॉपिक अलग से प्रोवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ मैंडेटरी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल, 1 रुपए से भी सरचार्ज से सब पे होता है, सरचार्ज इज ओनली ऑन द वेल्थी पर्सन। सर इम्प्लीमेंटेशन को टाइम क्यों लगता है, भारत इतू सा नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, भारत बहुत ह्यूज है तो दैट टेक्स टाइम, भारत बहुत बड़ा है तो पूरे एडमिन मशीनरी तक के पहुंचाना इट्स रियली टेक टाइम। सरचार्ज CFI का पार्ट बनता है, हाँ CFI सिर्फ कलेक्शन होता है, इसके बाद में वो उसको सेपरेट करते हैं ना, टैक्सेस सरचार्ज एनसेस। CFI एक फंड है, इस फंड में टैक्स भी जुड़ गया, सरचार्ज भी जुड़ गया, सेस भी जुड़ गया, बट दे मेक क्लासिफिकेशन नो, वहां पे भी क्लासिफाई होता होगा ना, फिर तो क्लियर मिलता है ना, टैक्स डिवाइड करो सरचार्ज सेंटर को दो, सेस को अलग रखो बाद में डिवाइड होगा। मॉड्यूल यस यू कैन ऑर्डर इट नाउ, नो 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 डोंट वरी यू कैन ऑर्डर नाउ। चलिए जी सेवन 7:45 लेक्चर टाइमिंग्स आर सेम।